चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आपके एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। इसमें हम लोग कक्षा 11वीं की राजनीतिक विज्ञान जो आपकी है पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस, उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें आपके दो चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं। पहला चैप्टर था राजनीतिक सिद्धांत, एक परिचय, दूसरा था स्वतंत्रता। इससे पहले एक और बात बता दूंगा आप लोगों को, मुझे ऐसा लगता है, आप लोगों का तो पता नहीं, कि अगर आप 5 से 6 साल के क्वेश्चंस पेपर पुराने उठा के देखेंगे, चाहे आपकी प्रारंभिक परीक्षा के हो या फिर आपके लिखित परीक्षा के, मुख्य परीक्षा के हो, स्टेट पीसीएस हो, फिर चाहे आपका सिविल सर्विस हो, इसमें आप लोग जान जाएंगे कितनी जरूरी है आपके लिए एनसीईआरटी पढ़ने। इसलिए कह रहा हूं कि पहले आप लोग 5 से 6 साल के क्वेश्चंस पेपर उठा लीजिए और एनसीईआरटी 1 से 2 बार आप लोग पढ़ लीजिए बड़े धैर्य रखकर। और मुझे लगता है कि इसमें ऐसा कोई आपको शब्द नहीं मिलेगा, अगर आप अपने आप से भी पढ़ते हैं तो आराम से समझ में आ जाएंगी आप लोगों को, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। और देखिए, समय रहते हुए पढ़ लीजिए, क्योंकि पढ़ना है ही, तो क्यों ना अभी पढ़ लिया जाए, ठीक। और इससे पहले आपकी कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक की जो भी आपके लिए जरूरी बुक्स हैं वो सभी कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, और उनकी पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डाल दी गई है, और इसकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है एनसीईआरटी पूर्ण कवरेज के नाम से, उसी में आपकी क्लास बाई क्लास डली हुई है, ठीक। चलिए अब बात करते हैं हम लोग समानता के बारे में। ये शब्द आखिर कई बार आप चर्चा में सुनते रहते हैं और मुझे लगता है कि सबको मालूम ही होना चाहिए, और वैसे भी आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, अगर आप भारत में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, तो आपको इस तरह के टॉपिक आपको पढ़ लेना चाहिए, इस तरह के टॉपिक के बारे में मालूम होने चाहिए। स्वतंत्रता, समानता, आपके अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, समानता, यह अध्याय समानता की अवधारणा के बारे में है। समानता को एक मूल्य के रूप में संविधान में भी दर्ज किया गया है। यहां समानता की अवधारणा पर रोशनी डालते हुए निम्नलिखित सवालों को पड़ताल करने की कोशिश की गई है। समानता क्या है? हम इस नैतिक और राजनीतिक आदर्श के बारे में क्या क्यों सोचना चाहिए? क्या समानता का मतलब व्यक्ति से हर स्थिति में एक समान बर्ताव करना है? हम समानता की ओर कैसे बढ़ सकते हैं और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असमानता को न्यूनतम कैसे कर सकते हैं? हम समानता के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आयामों को अलग अलग कैसे समझ सकते हैं? इन सवालों को समझने और सुलझाने के क्रम में हमारा सामना समाजवाद, मार्क्सवाद, उदारवाद, नारीवाद जैसी अपनी समय की कुछ खास विचारधाराओं से होता है। और इस अध्याय में हम असमानता की स्थिति के बारे में कुछ आंकड़े और चित्र भी देखेंगे। ये केवल इसलिए दिए गए हैं कि हम असमानता की प्रकृति को समझ बूझ सकें, और इन आंकड़ों और चित्रों को याद करने की जरूरत नहीं है। एक बात और आपको बताऊं, आप देखते होंगे कि आप लोग जब भी मौलिक अधिकार पढ़ते होंगे उसमें आपको समानता का अधिकार भी दिया गया है, ठीक है। और वाद का मतलब जब कहीं देखते हैं आप लोग गांधीवादी, नारीवादी, समाजवाद, तो वाद का मतलब होता है एक विचारधारा, यानी कि गांधी की विचारधारा के लोग गांधीवादी कहलाते, नारीवाद, समझ रहे हैं आप? तो जब भी आपको वाद शब्द बाद में मिले तो उसे एक विचारधारा के साथ जोड़ लिया करेगा आगे जो शब्द हुआ करेगा। चलिए जानते हैं इसे हम लोग, समानता महत्वपूर्ण क्यों है आखिर, समानता महत्वपूर्ण क्यों है इतनी? समानता एक शक्तिशाली नैतिक और राजनीतिक आदर्श के रूप में कई शताब्दियों से मानव समाज को प्रेरित और निर्देशित करता रहा है। समानता की बात सभी आस्थाओं और धर्मों में समाविष्ट है। हर धर्म ईश्वर की रचना के रूप में प्रत्येक मनुष्य के समान महत्व को की घोषणा करता है। समानता की अवधारणा एक राजनीतिक आदर्श के रूप में उन विशिष्टताओं पर जोर देती है जिसमें तमाम मनुष्य रंग, लिंग, वंश या फिर राष्ट्रीयता की फर्क के बाद भी साझेदार होते हैं। समानता का दावा है कि समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समान मत और सम्मान पाने योग्य। साझी मानवता की यह धारणा ही है सार्वभौम मानवाधिकार या मानवता के प्रति अपराध जैसी धारणाओं के पीछे रहती है। आप लोग आजादी से पहले आप जो जाइए, आज आप सोचिए कि समानता की बात की जाती है, कई बार लोग कह देते हैं कि वो समानता है तो सर आरक्षण क्यों है। देखिए, एक पुरानी एक तरह से हमारी, हम लोगों ने जो गलतियां की उसी का परिणाम है आज। मैं कहता हूं कि जैसे आप ही सोच लीजिए, आपका बच्चा वीआईपी स्कूल में पढ़ रहा है, प्राइवेट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम में, और कोई झोपड़ी में रहने वाले का बच्चा वहीं पढ़ रहा है सरकारी स्कूल में, तो आप सभी जानते हैं सरकारी स्कूलों की क्या हालत है, समझ रहे हैं आप लोग? तो आप सोचें कि उसका बच्चा झोपड़ी वाले का आपके बच्चे से कम मतलब तुलना हो सके? बिल्कुल नहीं है। या तो आप कर सकते हैं कि उसे भी झोपड़ी से उठा के दोनों को एक साथ रखिए, दोनों को एक ही सुविधाएं दीजिए जन्म से लेकर, फिर आप कह सकते हैं कि आरक्षण हटाना सही है।
और मुझे लगता है कि देखिए, आप अगर उस अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और एक सोच रखते हैं, तो मुझे लगता है कि आप भी मानेंगे कि देखिए आरक्षण होना चाहिए। लेकिन ये आप सोचें कि कई सामान्य में भी देखते हैं आप लोग की गरीब है, कई अब ST ST में भी देख रहे हैं कि वो ऊपर उठ चुके हैं आर्थिक स्थिति से, समझ रहे हैं। इसीलिए आप देखते होंगे OBC में क्रीमिलियर की भी अवधारणा आ चुकी थी। क्रीमिलियर का सीधा सा मतलब है कि आप दूध लेते हैं ना, उबालते हैं, उसमें से क्रीम बाहर कर देते हैं। तो इसी तरह से जो हो चुके हैं, जो मतलब ऊपर उठ चुके हैं, तो उन्हें निकालना, ठीक है। बहुत सी सामाजिक संस्थाएं और राजसत्ता लोगों में पद, धन, हैसियत या विशेष अधिकार की समानता कायम रखती है। आधुनिक काल में सभी मनुष्य की समानता का राजसत्ता और ऐसी राजनीतिक संस्थाओं के खिलाफ संघर्षों में एकजुटता लाने वाले नारे के रूप में इस्तेमाल किया गया है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति में भू सामंती अभिजन वर्ग राजशाही के खिलाफ विद्रोह के दौरान स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। समानता की मांग 20वीं शताब्दी में एशिया और अफ्रीका के उपनिवेश विरोधी स्वतंत्रता संघर्षों के दौरान भी उठी थी, और यह लगातार उन समूह संघर्षरत समूहों द्वारा उठाई जा रही है जो महसूस करते हैं कि उन्हें समाज में किनारे कर दिया गया है, जैसे कि महिलाएं या फिर दलित। आप देखते थे पहले महिलाओं के साथ क्या भेदभाव किया जाता था, एक खास वर्ग को, एक खास समूह को आप देखते थे कि अभी भी आप देख रहे हैं कि घोड़े पे नहीं बैठने दिया जाता है। मैंने भी ये जिंदगी में देखा है कि जब नीचे लोग निकलते थे तो वो चप्पल उठा के हाथ में लेकर निकलते थे, इतना भेदभाव था हमारे समाज में। अब तो आप देखेंगे कि आप भी ST ST के, मतलब आप सोचिए, जन कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, आप उसके साथ भी खाना खा रहे हैं बराबर। मुझे लगता है कि ये सही है, कर्म से कोई हर आदमी बड़ा होता है। अब जन्म से आप देखते होंगे कि कई ऐसे भी हैं सामान्य जनरल में कि जिनके कर्म बिल्कुल खराब हैं, और कई ऐसे आपको देख लेंगे मिल जाएंगे जनजाति यानी कि निचले में कि समूह में कि उनके कर्म इतने अच्छे हैं कि उन्हें पूजने लगे। वहीं आप देख सकते हैं ना भीमराव अम्बेडकर साहब, उन आप समझ सकते हैं उनकी हैसियत। तो इसलिए जातिवाद मत फैलाया करिए, और अगर भारत के पिछड़ने का कोई कारण है तो जातिवाद है। जापान में जाएंगे जापानीज देखने को मिलेंगे, चाइना में जाएंगे चाइनीज देखने को मिलेंगे, जापान में आपने देखा रशियन, अमेरिकन। तो आप देखिए कि हमसे का मतलब, अभी कुछ ही दिन पहले जापान के बारे में पढ़ रहा था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जापान ने 2 परमाणु बम झेले 1945 में, उसके बाद भी वो उठकर एक तरह से आप सोचिए कि विकसित देशों की सूची में जा खड़ा हुआ है। एक बात आप ही सोचिए कि आप पूरी तरह से टूट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, उसके बाद आप ऊंचाई पा लें, तो एक बहुत बड़ा उदाहरण देने लायक आपका एक तरह से हैसियत हो जाती है। तो उस राष्ट्र प्रमुख का यही कहना है कि हमारे यहाँ की एक तरफ एकता है, और हमारे यहाँ देखते होंगे आप लोग कि कभी वोट बैंक के लिए, कभी आप सोचिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस तरह के मुद्दे होते ही नहीं है। हमारे यहाँ एक जाति, खास समूह, मंदिर, मस्जिद, इसी पर पूरा आपका खेल रहता है, और ये इससे आप देखिए कि तरक्की नहीं होने वाली है, रोजगार नहीं मिलने वाले, स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलने वाली, शिक्षा नहीं मिलने वाली। तो हमें इससे बहुत आगे उठना होगा, समझ रहे हैं। मैं जिन लोगों को जानता हूं वे सभी किसी ना किसी धर्म में विश्वास करते हैं, मैं जिन धर्मों के बारे में जानता हूं वे सभी समानता का संदेश देते हैं, जब ऐसा है तो दुनिया में असमानता क्यों है। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात देखने को मिलेगी, आप हिंदू में चले जाइए, सिख, ईसाई, मुस्लिम, सब में आपको कोई ग्रंथ नहीं कहेगा कि गलत था, यानी कि ये गलत नहीं कहेगा कि भेदभाव, किसी के धर्म को नीचे दिखाना, किसी व्यक्ति को नीचे गिराना। अशोक के समय से आप देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा, उस समय अभी आप देखेंगे कि अशोक ने क्या कहा था कि अगर हम किसी के धर्म को अगर नीचे दिखा रहे हैं तो असल में हम अपने आप को गिरा रहे हैं, अपने धर्म को गिरा रहे हैं। आज भी आप देखते होंगे कि अगर आप सामने वाले को इज्जत दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो आपको भी इज्जत देगा, आप डरा के शायद इज्जत नहीं पा सकते इस समय। ये धर्म नहीं हमें लड़ाना सिखा रहा है, ये तो हमने जो पृष्ठभूमि बनाई हुई है उसी का परिणाम भुगत रहे हैं। असमानता व्यापक रूप से स्वीकृत आदर्श है जिसे अनेक देशों के संविधान और कानूनों में सम्मिलित किया गया है, फिर भी समाज में हमारे चारों ओर समानता की बजाय असमानता अधिक नजर आती है। अपने देश में हम आलीशान आवासों के साथ साथ जो
पट्टियां विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस स्कूल और वातानुकूलित कक्षाओं के साथ पेयजल या शौचालय की सुविधा में से भी विहीन स्कूल भोजन की बर्बादी के साथ साथ भुखमरी देख सकते हैं। कानून जो वायदा करता है और जो हमारे चारों ओर मौजूद है उनके बीच अंतर बिल्कुल स्पष्ट है, और ये जमीन आसमान का आपको अंतर देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं, एक तरफ आप देखते होंगे दिल्ली के आसपास आप देख सकते हैं, या आप भी जहां भी आप शहर रह रहे हो अपने शहर में, उस जगह आप देखेंगे कि एक तरफ बड़ी बड़ी मंजिल मतलब मकान वीआईपी हैं, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि झोपड़ियां जिसमें आप सोचिए बरसात में रहने के लिए सुविधा नहीं है। हमारे संविधान में हमें मिल चुका है यानी कि समानता का अधिकार, लेकिन क्या आज भी अगर मिला है पूरी तरह से? मेरा ऐसा मानना है कि हमें आजादी, आप सोचिए 1947 में लोग कहते हैं हम आजाद हो चुके थे, हमें अंग्रेजों से आजादी मिल चुकी थी 1947 में, लेकिन जो प्रोसेस है यानी कि कहने का मतलब है कि जो अब हमें चाहिए थी अपने देश में जो भी समूह पिछड़े हुए थे उन्हें समानता देने की, उन्हें आजादी देने की बात, तो ये मत कहिए कि हमें पूरी तरह से आजादी, कौन सी आजादी मिली हमें? हाँ, हमें अंग्रेजों से एक तरह से मुक्ति मिल चुकी थी, प्रोसेस वहां से चालू होनी चाहिए थी। एक तरह से आप कहिए कि आपके जो भी परिवार है उसने आपके ऊपर एक जिम्मेदारी डाल दी है, अब आप उस जिम्मेदारी को और वहीं रख दीजिए, आपकी कर्तव्य, आपका क्या कर्तव्य है कि उसे आगे बढ़ाए। नीचे विश्व और हमारे देश के स्तर पर असमानता को दर्शाने वाली कुछ आंकड़े के दिए गए हैं और इन पर एक गहरी नजर डालें। विश्व स्तर पर असमानता को दर्शाने वाली कुछ आंकड़े हैं, और एक बात और हमेशा याद रखिए, जब भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जब भी आप अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि आप किस फील्ड में जा रहे हैं, क्या करना, क्या काम है आपका। समझ रहे हैं, एक समाज को देखना ही आपका काम है, तो उसके उसके बारे में मुझे लगता है कि आपको एक तरह से अनुभव करना चाहिए, और तभी मुझे लगता है कि आप आंसर भी बेहतर लिख पाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग, अब मुझे नहीं लगता है कि आप कृषि विधेयक आए हुए थे अगर उसके बारे में आप देखेंगे और आप किसानों की समस्याओं के बारे में जानेंगे, किसानों से मिलते रहेंगे, और ये आपका परिवार किसान है तो आप बेहतर क्वेश्चंस लिख सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। समझ रहे हैं आप लोग, दुनिया के 50 सबसे अमीर आदमियों की सामूहिक आमदानी दुनिया के 40 करोड़ सबसे गरीब लोगों की सामूहिक आमदानी से अधिक है, ये तो हमारे देश में भी आपको देखने को मिलेगा। दुनिया की 40% गरीब जनसंख्या का दुनिया की कुल आमदानी में हिस्सा केवल 5% है, जबकि 10% अमीर लोग दुनिया की 54% आबादी पर नियंत्रण करते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि एक आप हैं एक परिवार में, तो एक सोचिए कि आपका परिवार है कि और एक गांव है पूरा, तो आधी संपत्ति, आधी से अधिक संपत्ति आपके पास है और बाकी की थोड़ी बहुत उनके पास है। पहली दुनिया खासकर उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के अंगड़े औद्योगिक देशों में दुनिया की आबादी का 25% हिस्सा रहता है, लेकिन दुनिया के 86% उद्योग इन्हीं देशों में है, और दुनिया की 80% ऊर्जा इन्हीं देशों में इस्तेमाल की जाती है। इन अंगड़े औद्योगिक देशों के निवासी भारत या चीन जैसे विकासशील देशों के निवासी की तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक पानी, 10 गुना ऊर्जा, 13 गुना लोहा और इस्पात, 14 गुना कागज का उपयोग करते हैं। आप लोगों ने अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने प्लास्टिक कचरे के बारे में पढ़ा था, इसमें आप देखेंगे मुझे लगता है कि हम अपने मतलब साल भर में इतना एक तरह से प्लास्टिक यूज कर लेते हैं कि अपने वजन के बराबर, तो आप में से कई लोग कहते थे कि वो मैं तो नहीं करता हूं इतना, तो औसत निकाला जाता है उसमें, अमेरिका बाकी देशों में आप देखेंगे ज्यादा प्लास्टिक यूज हो रहा है, तो उसे भी आपके औसत में जोड़ा जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग, गर्भावस्था से जुड़े कारणों से मरने का खतरा नाइजीरिया के लिए 18 में से 1 मामले में है, जबकि कनाडा के लिए खतरा 87,708,700 में से 1 मामले में है, तो आप स्थिति असमानता यहाँ देख सकते हैं। जमीन के अंदर से निकलने वाले ईंधन कोयला, पेट्रोलियम और गैस के जलने से दुनिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसमें से पहली दुनिया के औद्योगिक देशों का हिस्सा 2/3 है। यहाँ आपको असमानता दिखाई दे रही होगी, आपको अपने समाज में भी असमानता दिखाई देगी। यहाँ तो एक ओवरऑल आपको एक तरह से निष्कर्ष बताना है, अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन के लिए जिम्मेदार सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी 3/4 हिस्सा इन्हीं देशों का द्वारा उत्सर्जित होता है। ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले बहुत सारे उद्योगों को विकसित देशों से हटाकर विकासशील देशों में लगाया जा रहा है।
भारत में आर्थिक असमानता को दर्शाने वाले कुछ आंकड़े देखें हम लोग, तो यहाँ भारत की 2001 की जनगणना के लिए से लिए गए घरेलू संपदा और सुविधाओं के बारे में कुछ आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है, इन आंकड़ों को गांव और शहरों के बीच की असमानता को समझने के लिए पढ़िए। आपका परिवार इन आंकड़ों में कहाँ आता है, आप भी अपनी स्थिति बता सकते हैं। देखिए एनसीईआरटी मुझे लगता है ऐसा, देखिए कक्षा 10वीं 12वीं में आप लोग नहीं है कि आप लोगों ने मैथ की बुक्स ली या कोई भी बुक्स ली, आपने रट लिए, आपने देखा होगा बंडर ऑफ साइंस रट लिया, माई हॉबी इस तरह से आपको निबंध ऐसे रट ले देते उस समय, और आप जाते थे परीक्षा में पूरा टीप के आ जाते थे। लेकिन परिस्थिति अब बदल चुकी है। क्या बदल चुकी है परिस्थिति? यहाँ आपकी एक तरह से अनुभव करेगा, मतलब आपको आप किस परिस्थिति में आंसर लिख रहे हैं, किस तरह से लिख रहे हैं, क्या कौन कौन से आप नजरिए उसमें डाल रहे हैं, वही महत्वपूर्ण रहता है। इनमें देख लेते हैं हम लोग परिवार जिनके पास है, और ग्रामीण परिवार, शहरी परिवार, बिजली का कनेक्शन। आपको ग्रामीण परिवारों में आपको 44% देखने को मिलेगी, शहरी क्षेत्रों की बात करें तो 88%। मकान में सरकारी नल का कनेक्शन आपको ग्रामीण यानी कि गांव की तरफ आपको 10% देखने को मिलेगा, वहीं अगर शहर की बात करें तो 50%। मकान में स्नानागार, स्नान घर, ये आपको 23% देखने को मिलेगा, कहाँ, गाँव की तरफ। वहीं आपको देखेंगे शहरी में ये अच्छी खासी संख्या है, 70%। टेलीविजन की बात करें तो मात्र 19% गाँव में है, ये आपको देखने को मिलेगा शहर में 64। स्कूटर, मोपेड, मोटरसाइकिल 7% लोगों के पास, और शहर में 25%। कार, जीप, वैन एकमात्र 1% ग्रामीण लोगों के पास है, और 6% शहरी में। आप असमानता यहाँ देख सकते हैं, और ये आंकड़े फिर भी बता रहा हूँ कि एक आपको समझाने के लिए। और जो लोग कहते हैं कि देखिए बातें थोड़ी होती रहना चाहिए, मुझे लगता है एनसीईआरटी तभी समझ में आएगा और आपको याद भी रहेगा। और कई लोग बोलते हैं कि वो शॉर्ट नोट्स बनाकर पढ़ाना चाहिए, देखिए मैं इस पर भरोसा नहीं करता। आप लोग देख रहे होंगे ये आंकड़े आपको कहाँ से दिखाई देंगे, ये चित्र कहाँ से दिखाई देंगे आपको। तो मैं मानता हूँ कि एक बार आपको एनसीईआरटी पढ़ लेना चाहिए, दूसरी बार आप नोट्स से भी पढ़ लीजिए। अब आप देखेंगे कि एम लक्ष्मीकांत है आपकी पॉलिटी की बुक, अब आप में से क्या करेंगे लोग कि शॉर्ट नोट्स ढूंढेंगे उसके, भाई मत पढ़िए। आप लोग एक बार कम से कम उस लक्ष्मीकांत की शक्ल तो देख लीजिए कम से कम पूरी बुक्स की, उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स पढ़ते रहना, और किसी दूसरे के शॉर्ट नोट्स मत पढ़िए, आप खुद बनाइए अपने और खुद ही पढ़िए। यहां हमारा समानता एक विरोधाभास से होता है, लगभग हर कोई समानता के आदर्श को स्वीकार करता है, जबकि लगभग हर तरफ हमें असमानता के दर्शन होते हैं। हमें एक ऐसी जटिल दुनिया में रहते हैं जिसमें धन संपदा, अवसर, कार्य, स्थिति और शक्ति की भारी असमानता है। क्या हमें इस तरह की असमानताओं से चिंतित होना चाहिए? क्या ये सामाजिक जीवन के स्थायी और अपरिहार्य लक्षण है जो मनुष्य की प्रतिभा और योग्यता के साथ साथ सामाजिक विकास और संपन्नता में उनके योगदान के अंतर को भी प्रतिबिंबित करते हैं? क्या ये असमानता हमारी सामाजिक स्थिति में और नियमों के कारण पैदा होती है? ये ऐसे प्रश्न है जिन्होंने दुनिया भर के लोगों को बरसों से परेशान कर रखा है। अब मैं कहता हूं कि आप लोग समाज में रह रहे हैं, आप लोग उस समाज से जुड़े हुए हैं, तो मान लीजिए आपके महिला पर या महिला सशक्तिकरण पर एक आपको ऐसे लिखने के लिए आ गया, इस तरह के टॉपिक आ भी जाते हैं, क्वेश्चंस भी बन जाते हैं इस तरह के, तो अगर समाज से आप जुड़े हैं तो मुझे लगता है कि आप बेहतर आंसर लिख पाएंगे। और देखिए सिविल सर्विस हो, स्टेट पीसीएस हो, लिखित ही परीक्षा का मेन उद्देश्य, आंसर राइटिंग ही आपका मेन है उसमें, समझ रहे हैं आप लोग। हमारे चारों ओर बहुत सी असमानताएं ऐसी हैं जिन पर कोई आपत्ति नहीं करता, ऐसे में देश और दुनिया की असमानताओं पर बात करना बकवास है। जरा इस पर भी ध्यान दें दो कि कैसे मेरे माता पिता मेरे भाई की तरफदारी करते हैं। एक तो आपने समाज में छोड़ी, आपके परिवार में ही असमानता देखते होंगे, आपकी सिस्टर है, आप हैं, दोनों क्या है कि आप देखते होंगे कि उसे गुड़िया दी जाती है खेलने के लिए, आपको गन दिया जाता है, यहीं से असमानता एक तरह से आप भेदभाव करना शुरू कर देती है। आप देखते होंगे कि आपको सुबह एक गिलास दूध, शाम को एक गिलास दूध, और आपकी सिस्टर को देखते होंगे किस तरह से आप उसके साथ भेदभाव किया जाता है। आप कहते होंगे हमें पढ़ने के लिए जाना है, आपके पिताजी तुरंत बोल देते हैं, लेकिन वो बोलती हैं तो तब आपने देखा होगा कि कई परिवार हैं, आपके परिवार की हो सकता है आपका परिवार अच्छा है, समझ रहे हैं आप लोग। इस तरह के सवालों ने समानता को सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत का केंद्रीय विषय बना दिया है। तो राजनीतिक सिद्धांत के छात्र को सवालों की एक लंबी श्रृंखला का सामना करना पड़ता है। इसी तरह का एक सवाल है कि समानता का क्या निहितार्थ है, जबकि हम बहुत से मायनों में बड़े स्पष्ट रूप से अलग हैं।
यह बात कहने की का आशय क्या है? हम समान हैं, हम समानता के आदर्श के माध्यम से क्या पाना चाहते हैं? क्या हम आय और रुतबे के सभी अंतरों को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं? दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो हम किस तरह की और किसके लिए समानता होना चाहते हैं? समानता की अवधारणा के बारे में कुछ और प्रश्न भी उठाए गए, हम यहाँ उन पर भी विचार करेंगे। समानता को बढ़ावा देने के लिए क्या हमें सभी लोगों से हमेशा बिल्कुल एक तरह का व्यवहार करना चाहिए? इन प्रश्नों को आप लोग आंसर ढूंढने की कोशिश भी कीजिए, आगे भी इनके आंसर भी मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग समानता आखिर है क्या। पूरी जो कहानी डटी हुई है इसी पर, तो आखिर ये है क्या? इन चित्रों पर एक नजर डालें। आश्वित लोगों की बैठने की जगह पिछवाड़े में, प्रवेश नहीं कुत्ते नेग्रो मैक्सिको वासी, पीने का पानी श्वेत आश्वित, विश्राम गृह केवल श्वेत लोगों के लिए। एक बात आप लोगों ने मूवी देखी होगी अमिताभ बच्चन की, आपने देखा होगा कि उसमें लिखा रहता है कि इंडियन और कुत्तों को आना यहाँ मना है, तो आप उसी की याद आप लोग इसे भी देख सकते हैं। यहाँ भी बहुत पहले से भेदभाव चला रहा है, समझ रहे हैं? आज ही काये के भेदभाव पैदा नहीं हो गया, और आज तो मुझे देखने को मिल रहा है कि सोशल मीडिया की, मैं तो कहता हूँ कि इसका फायदा होना चाहिए था, सबको जोड़ने की बात करनी चाहिए थी, इसमें एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से नीचा दिखाने की होड़ लगी हुई है। अपने धर्म को बड़ा चढ़ाकर दिखाना, अपने धर्म को दूसरे के धर्म को नीचा दिखाना, यही हमारे भारत में आज चल रहा है, और इसी का परिणाम आप भुगत रहे हैं। कोरोना महामारी में आपने देखा है किस तरह से त्रासदी मार गई जनता, लेकिन कोई नेता आपके लिए नहीं। वो नेता भी जानते हैं कि आप इतने बेवकूफ हैं कि आपको धर्म के नाम पर आराम से लड़ाया जा सकता है, अपनी वोट बैंक की रोटी सेंकी जा सकती है। क्या मतलब है? शिक्षा का क्या जरूरी है? स्वास्थ्य क्या जरूरी है आपके लिए? दिल्ली की जनता को आप लोग बेवकूफ कहते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता ने समझदारी दिखाई है। आप वहां देखेंगे कि आपने अभी सरकारी रिजल्टों आए हुए हैं सरकारी स्कूलों के, उसमें आपको दिखाई देगा कि प्राइवेट स्कूलों से बेहतर रिजल्ट रहा है सरकारी स्कूलों का। हॉस्पिटल की व्यवस्था देख लीजिए वहां। देखिए यही मुद्दे होना चाहिए। मैं तो कहता हूं आप अपने बच्चों को भी कुछ इस तरह की शिक्षा दीजिए कि वो अंधभक्ति छोड़ें और अच्छे काम पर वोट दें। ये चित्र मनुष्य के बीच नस्ल और रंग के आधार पर भेदभाव की ओर संकेत करते हैं। ये हम में से अधिकांश को अस्वीकार है। वास्तव में इस तरह के भेदभाव समानता के हमारे आत्मबोध का उल्लंघन करते हैं, और समानता का हमारा आत्मबोध कहता है कि सांझी मानवता के कारण सभी मनुष्य बराबर सम्मान और परवाह की हकदार हैं। हालांकि लोगों के इससे बराबर सम्मान का व्यवहार करने का मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा एक जैसा व्यवहार करना भी। कोई भी समाज अपने सभी सदस्यों के साथ सभी स्थितियों में पूर्णता एक समान बदलाव बर्ताव नहीं करता। समाज के सहज कार्य व्यापार के लिए कार्य का विभाजन जरूरी है। अलग अलग काम और अलग अलग लोगों को महत्व और लाभ भी अलग अलग मिलता है। कई बार इस बर्ताव में यह अंतर न केवल स्वीकार हो सकता है बल्कि जरूरी भी लग सकता है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री या सेना के जनरल को विशेष सरकारी दर्जा या सम्मान देना हमें तब तक समानता की अवधारणा के विपरीत नहीं लगता है जब तक कि उसका दुरुपयोग ना हो, लेकिन कुछ अलग किस्म की असमानताएं अन्यायपूर्ण लग सकती हैं। देखिए आप समझिए कि आप लोग कहें कि कई जगह आप देखते होंगे कि इस तरह की भी बातें करने लगती हैं, तो जो जरूरी है वो तो समान, आप सोचिए कि समानता वहां असमानता समानता का बात फर्क नहीं रह जाता, समझ रहे? अब सवाल यह उठता है कि कौन सी विशेषताएं और विभेद स्वीकार किए जाने लायक हैं और कौन सी नहीं। कई बार लोगों से अलग तरह का बर्ताव इसलिए किया जाता है कि उनका जन्म किसी खास धर्म, नस्ल, जाति या लिंग में हुआ है। हम असमानता की इन आधारों को अस्वीकार करते हैं, लेकिन लोगों की आकांक्षाएं और लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, और हो सकता है कि सभी को समान सफलता ना मिले। अगर वे अपने अंदर छुपी संभावनाओं को विकसित करने में सक्षम है तो ऐसा महसूस नहीं होगा कि समानता खतरे में। कुछ लोग अच्छे संगीतकार हो सकते हैं जबकि कुछ नहीं, कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन सकते हैं जबकि कुछ और अपने कड़े परिस्थितियों में चेतना के लिए विख्यात हो सकते हैं। समानता के आदर्श से जुड़े होने का यह मतलब नहीं है कि ये सभी तरह के अंतरों का उन्मूलन हो जाए। इसका मतलब केवल यह है कि हमसे जो व्यवहार किया जाता है और हमें जो भी अवसर प्राप्त होता है वे जन्म या सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होने चाहिए। सीधा सा मतलब आप लोग समझिए, समानता का मतलब सीधा सा यही है कि दूसरा सामने वाला अपने आप को नीचा फील ना करे, अपने आप को एक तरह से गिल्टी उसे ना हो, समझ रहे हैं कि वो नीचा देखे अपने आप से। आप अगर कुर्सी पर बैठे हैं तो वो नीचे बैठे, यहां मुझे लगता है कि समानता की बात होती है।
कुछ ऐसे क्षेत्र, खास क्षेत्र हैं कि आप कहें कि वहां भी समानता, जहां संभव ही नहीं समानता, तो दोनों की एक तरह से समान मतलब होना चाहिए। अवसरों की अगर समानता की बात करें, इसे भी आप लोग मौलिक अधिकार में पढ़ते हैं, समानता की अवधारणा में यह निहित है कि सभी मनुष्य अपनी दक्षता और प्रतिभा को विकसित करने के लिए तथा अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समान अधिकार और अवसरों के हकदार हैं। इसका आशय है कि समाज में लोग अपनी पसंद और प्राथमिकताओं के मामलों में अलग अलग हो सकते हैं, जिनकी प्रतिभा और योग्यताओं में भी अंतर हो सकता है, और हो सकता है कि इस कारण से कुछ लोग अपने चुने हुए क्षेत्रों में बाकी लोगों से ज्यादा सफल हो जाए, लेकिन केवल इसलिए कि कोई क्रिकेट में पहले पायदान पर पहुंच गया है और या कोई बहुत सफल वकील बन गया है। समाज को असमान नहीं माना जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो सामाजिक दर्जा, संपत्ति या विशेषाधिकार में समानता का अभाव होना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, तो सुरक्षित आवास जैसी बुनियादी चीजों का की उपलब्धता में असमानताओं से कोई समाज असमान और अन्यायपूर्ण बनता है। एक बात आप लोग देखे होते होंगे कि आपने देखा होगा कि एक तरह से समान अधिकार, अवसरों की समान हकदार सबको आ गया, लेकिन इसमें भी आप लोग देखते होंगे कि आरक्षण की व्यवस्था की गई है। क्यों की गई? आप देखेंगे कि आपकी आपकी आप हैं और आपकी बहन है एक तरह से, या आपके परिवार का, देखिए किसी भी को ले सकते हैं आप लोग। आप सोचेंगे आपको वीआईपी स्कूल के लिए या तैयारी के लिए आपको दिल्ली भेजा जा रहा है किसी बड़े शहर में, वो घर में ही रह के तैयारी करती है, तो आप सोचिए कि यहाँ आरक्षण की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए क्या? ये भी ये असमानता जो है ये आप स्वीकार करेंगे? तो यही बात है। प्राकृतिक और सामाजिक असमानता की अगर बात करें हम लोग, तो राजनीतिक सिद्धांत में प्राकृतिक असमानता समानताओं और समाज जनित असमानताओं में अंतर किया जाता है। प्राकृतिक असमानताएं लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताओं, प्रतिभा और उनके अलग अलग चयन के कारण पैदा होती है। समाज जनित असमानताएं वे होती हैं जो समाज में अवसरों की असमानता होने या किसी समूह का दूसरे के द्वारा शोषण किए जाने से पैदा होती है। एक तरह से आप प्राकृतिक और सामाजिक असमानता में इस तरह से भी अंतर फिट कर सकते हैं कि आप सोचिए कि आप मान लीजिए ऐसा किसी के साथ ना हो, चलिए आपको छोड़िए वरना आप लोगों को शायद बुरा भी लग सकता है, कोई आप देखते होंगे विकलांग पैदा होता है, जन्म लेता है, जन्म से ही विकलांग होता है और एक अच्छा हो रहा है, आप वहां कह दें कि ये असमानता है, तो ये तो प्राकृतिक यानी प्रकृति की एक तरह से बात करिए कि भगवान ने जैसा दिया है या जो भी, देखिए जो भी कमी रही उसमें, वहां आप असमानता की बात नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं कि आप खेलने जा रहे हैं कि एक स्कूल का ग्राउंड है, वहां आप बड़ी जाति के हैं इसलिए आपको प्रवेश दिया जाता है, कोई निचली जाति का रहता है इसलिए नहीं प्रवेश किया जाता है, तो यहाँ असमानता ये अस्वीकार होगी। और इस तरह की असमानता को आप सोचिए कि संविधान में आपको जगह दी गई है, मौलिक अधिकार दिए गए हैं इसी से निपटने के लिए। प्राकृतिक असमानता समानताएं लोगों की जन्मजात विशेषताओं और योग्यताओं पर का परिणाम मानी जाती है। यह आमतौर पर मान लिया जाता है कि प्राकृतिक विभिन्नताओं को बदला नहीं जा सकता है। दूसरी ओर वे सामाजिक असमानताएं जिन्हें समाज ने पैदा किया है, उदाहरण के लिए कुछ समाज बौद्धिक काम करने वालों को शारीरिक कार्य करने वालों से अधिक महत्व देते हैं, उन्हें अलग तरीके से लाभ देते हैं, वे विभिन्न वंश, रंग या जाति के लोगों के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं। इस तरह के भेदभाव में समाज के मूल प्रतिबिंबित होंगे और इनमें से कुछ हमें निश्चित रूप से अनुचित लग सकते हैं। एक यहाँ आप उदाहरण देख सकते हैं, मैं कहता हूँ देखिए जो भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उसे किसी फील्ड से आप जोड़ के जरूर देखिए, तभी मुझे लगता है कि आप याद भी रख सकेंगे, और आप जब लिखने के लिए बैठेंगे तो आप जानते हैं कि कितना टाइम मिलता है आपके, जो समझ रहे हैं, तो उस समय आपको देखिए कि आपके पिताजी हैं नौकरी करते हैं, उसमें आप देखते होंगे 8 से 10 घंटे नौकरी करेंगे और उनकी इज्जत रहेगा, सम्मान रहेगा, कहाँ, ऑफिस में, घर में। आप अपनी मम्मी को भी देखिए, सुबह 4 बजे उठ जाएंगे तो रात में 11 से 12 बजे तक काम करती रहेंगी, दिन में आपको 1% भी कहीं नहीं देखने को मिलेंगी कि वो आराम करती हैं, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं पिताजी को ज्यादा वक्त दिया जा रहा है, उनकी नौकरी को दिया जा रहा है, लेकिन उससे मेहनताना काम किसका है, माँ जी का। पुरुष स्त्रियों से बढ़कर है, यह एक प्राकृतिक असमानता है, आप इस संबंध में कुछ नहीं कर सकते हैं, मेरे हर विषय में तुमसे ज्यादा अंक आते हैं, मैं घर के काम में माँ का हाथ भी बटाती हूँ, तुम उससे बढ़कर कैसे हो। अब देखिए यहाँ भी एक तरह से
है, प्राकृतिक असमानता कैसी हो गई, समझ रहे हैं आप लोग? एक तरह से आप कहिए कि एक गाड़ी के दो पहिए हैं, आप समझ सकते हैं कि एक पहिया निकाल दिया जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि संभव है कि एक पहिए से एक गाड़ी चल पाएगी। प्राकृतिक और समाज मूलक असमानताओं में फर्क करना इसलिए भी उपयोगी होता है कि इससे स्वीकार की जा सकने लायक और अन्यायपूर्ण असमानताओं को अलग अलग करने में मदद मिलती है। लेकिन दो तरह की असमानताओं में फर्क हमेशा साफ और अपने आप स्पष्ट नहीं होता है। उदाहरण के लिए जब लोगों के बर्ताव में कुछ असमानताएं लंबी काल तक विद्यमान रहती हैं तो वे हमें मनुष्य की प्राकृतिक विशेषताओं पर आधारित लगने लगती हैं। ऐसा लगने लगता है कि जैसे कि वे जन्मगत हो और आसानी से बदल नहीं सकती हैं। उदाहरण के लिए औरतें अनादिकाल से अबला कही जाती थी, उन्हें भीरू एवं पुरुषों से कम बुद्धि का माना जाता था, जिन्हें विशेष संरक्षण की जरूरत थी। इसलिए यह मान लिया गया कि औरतों को समान अधिकार से वंचित करना न्याय संगत है। अफ्रीका में काले लोग उनके औपनिवेशिक शासकों द्वारा कम बुद्धि वाले निरे बच्चे महज शारीरिक श्रम, खेल कूद और संगीत में बेहतर माने गए हैं। यह धारणा दास पिता जैसी संस्थाओं को न्यायोचित ठहराने में प्रयुक्त होती हुई है। ऐसे सभी मानकों और मूल्यांकनों पर भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्हें प्राकृतिक लक्षणों पर आधारित मानने से अधिक जनता की शक्ति और राष्ट्र की सत्ता के बीच फर्क का प्रतिबिंब माना जाता है। अब आप सोचिए कि महिलाएं पुरुषों से बेहतर काम कर रही कई क्षेत्रों में, समझ रहे हैं? आप अपने ही फील्ड को देख लीजिए, उसमें भी देखेंगे आप लोगों की आपसे बेहतर स्कोर कर रही हैं वो लोग। और एक आप कहें कि ये भी ST ST को देखिए, ये कह देंगे कि वो तो वहां पैदा हुए हैं इसलिए उनका वो यही काम है और अभी से नहीं, ये तो इतिहास में भी चला रहा है। ये स्वीकार करने योग्य आपकी असमानता नहीं है, समझ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। और याद रखिए इनकी परिभाषा एक तरह से उस समय की, आप सोचिए कि आपके एक गांव में रहते हैं और कोई नहीं पढ़ा लिखा हुआ है, आप में से एक कोई पंडित जी, मैं किसी धर्म को एक तरह से टारगेट नहीं कर रहा हूँ, एक पंडित जी यानी कि आपके जो भी आप जो गुरु धर्म गुरु जो भी मानते हैं, वो आते हैं और आपसे कह देते हैं कि दो जाति हैं, एक उच्च वर्ग की एक निम्न वर्ग की। आपसे कह देते हैं कि ये निम्न वाले बुरे हैं, इनके बारे में नफरत फैलाइए, इन्हें मारिए, जो ये करिए वो करिए। तो आप लोगों ने तो वो ग्रंथ नहीं पढ़ा है ना, तो आप इसको मानने भी लगेंगे और आप लड़ने भी लगेंगे। यही हमारे भारत में अभी देखा भी जा रहा है, समझ रहे हैं? किसी ने आर्टिकल लिखा था अभी कि 80 से 85% तक के लोगों को दूसरा लोगों के दिमाग को दूसरा कंट्रोल किए हुए है। जिस तरह से आप गेम खेलते हैं तो आपके हाथ में कंट्रोल होता है, उसी तरह से किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में आपका कंट्रोल है। प्राकृतिक विशिष्टता की धारणा से एक और समस्या उत्पन्न होती है, वह यह है कि प्राकृतिक मानी गई कुछ भिन्नताएं अब अपरिवर्तनीय नहीं रही है। उदाहरण स्वरूप चिकित्सा विज्ञान और तकनीकी प्रगति से विकलांग व्यक्तियों का समाज में प्रभावी ढंग से काम करना संभव बना दिया है। आज कंप्यूटर नेत्रहीन व्यक्ति की मदद कर सकता है, पहियादार कुर्सी और कृत्रिम पांव और शारीरिक अक्षमता के निराकरण में सहायक हो सकते हैं। यहां तक कि कॉस्मेटिक सर्जरी से किसी व्यक्ति की शक्ल सूरत भी बदली जा सकती है। प्रसिद्ध भौतिकविद स्टीफन हॉकिंग शायद ही चल या बोल सकते हैं, पर उन्होंने विज्ञान में बड़ा योगदान किया है और आप देखो कुछ समय पहले इनकी डेथ भी हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि आप एक तरफ अपने क्षेत्र को देखिए कि कोई विकलांग है तो उसे घर में बैठा दिया जाता है, उसका कोई एक तरह से आप बोझ बन जाता है, और दूसरी तरफ आप स्टीफन हॉकिंस को देखिए, अगर उन्हें भी एक तरह से आपके आसपास के लोगों जैसी सुविधा मिली होती तो वो भी वहीं डले होते, शायद वो भी कुछ नहीं कर पाते, बोल भी नहीं सकते थे, चल भी नहीं सकते थे, फिर भी वैज्ञानिक क्षेत्र में अपना नाम कमा के जा चुके हैं। आज अगर विकलांग लोगों को उनकी विकलांगता से उबरने के लिए जरूरी मदद और उनके कामों के लिए उचित पारिश्रमिक देने से इस आधार पर इनकार कर दिया जाए कि प्राकृतिक रूप से वे कम सक्षम है, तो यह अधिकतर लोगों को अन्यायपूर्ण लगेगा। और आप समझिए कि इनमें एक तरह से प्रतिभा भी होती है, आप मानिए या ना मानिए, आप भी अगर किसी भी क्षेत्र में देखिए कोई किसी से कम नहीं है। हो सकता है आपकी खेल में रुचि हो, किसी की पढ़ने में, किसी की किसी क्षेत्र में, लेकिन हर अपने आप में एक एक तरह से कहिए मतलब क्या बोलते हैं उसे, एकाधिकार है आपका, समझ रहे हैं? इन सभी जटिलताओं के कारण प्राकृतिक और सामाजिक असमानताओं के बीच के फर्क को किसी समाज के कानून और नीतियों का
निर्धारण करने में मापदंड के तौर पर उपयोग करना कठिन होता है। इसी कारण से बहुत से सिद्धांतकार अपने चयन से पैदा हुए असमानता और व्यक्ति के विशेष परिवार या परिस्थितियों में जन्म लेने से पैदा हुई असमानता में फर्क करते हैं। वहीं दूसरी तरह की असमानता समाज समानता के पक्षधर लोगों के सरोकार का स्रोत है। वे चाहते हैं कि परिवेश में जन्मी असमानता को न्यूनतम और समाप्त किया जाए। और इसे मुझे लगता है कि आप सोचिए 1947 में सब कुछ हो सकता था। हम लोग जाति, मैं तो कहता हूँ देखिए जाति शब्द जो लगा रहता है ना कि हम इस कास्ट के, उसे तभी हटा देना चाहिए था। मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद हम इस स्थिति में होते। आज भी हमें नारा देना हो रहा होता कि गरीबी हटाएंगे, बिजली देंगे, सड़क देंगे। ये भाई क्या है, भिखारी है कि तुम कुछ भी दोगे? और ये तो बहुत पहले मिल भी जाना चाहिए था। आज भी तुम चिल्ला रहे हो, 70 साल पहले भी यही चिल्ला रहे थे, आज भी तुम वही चिल्ला रहे हो। समानता की तीन आयाम की अगर बात करें तो हमने इस सवाल पर विचार किया है कि किस प्रकार के सामाजिक अंतर स्वीकार किए जा सकते हैं। इस पर विचार करने के बाद हमें यह सोचने की जरूरत है कि समानता के वे कौन कौन से आयाम हैं जिन्हें हम पाना चाहते हैं। समाज में व्याप्त अलग अलग तरह की असमानताओं को पहचानते समय विभिन्न विचारकों और विचारधाराओं से समान समता के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों आयामों को रेखांकित किया है। और समानता के इन तीनों आयामों को लक्ष्य करते हुए ही एक अधिक न्यायपूर्ण समता मूलक समाज की ओर बढ़ा सकता है। और इस तरह की मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे हैं। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए आरक्षण का जब भी मुद्दा उठता है कि हटाने का, तब इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। ये मुद्दा हमेशा चर्चा में बना रहता है। और आप लोग अगर इसे समझेंगे, इसे अपने आप में अनुभव करेंगे, तो आप लोग कहेंगे कि आरक्षण भी जरूरी है और दूसरे क्षेत्र को भी देखना जरूरी है। 10% जो जनरल में आरक्षण मिला है वो बहुत बढ़िया कदम है, इसको आप लोगों को भी मानना चाहिए, ठीक है? लेकिन इस तरह की राजनीति आप देखते होंगे कि होती रहती है इस पर, और यही तो एक तरह से वोट बैंक का उनका वो है। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री देखा है जो कहता था कि मुझे काम अगर मैंने किया हो तभी मुझे वोट देना, वरना ना देना। अरविंद केजरीवाल, मैं उसका पक्षधर नहीं, बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि वो उसका कोई वो सपोर्टर मैं, लेकिन उसके काम का सपोर्टर जरूर। आप कभी अगर आपको लगता है कि सब बेवकूफी है, सब बकवास, तो दिल्ली में आकर देखिए और अपने क्षेत्र को उससे समान एक तरह तुलना करके देखिए, आपको जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा, ठीक है? राजनीतिक समानता। लोकतांत्रिक समाज में आमतौर पर सभी सदस्यों को समान नागरिकता प्रदान करना राजनीतिक समानता में शामिल है। आप नागरिकता के अध्याय में पढ़ेंगे कि समान नागरिकता अपने साथ कुछ मूल अधिकार, मसलन मतदान का अधिकार, कहीं भी आने जाने, संगठन बनाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक विश्वास की आजादी लाती है। ये ऐसे अधिकार हैं जो नागरिकों को अपने विकास करने और राज्य के कामकाज में हिस्सा लेने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक माने जाते हैं। लेकिन ये केवल औपचारिक अधिकार हैं जिन्हें औपचारिक संविधान और कानून द्वारा सुनिश्चित किया गया है। हम जानते हैं कि सभी नागरिकों को समान अधिकार देने वाले देशों में भी काफी असमानता बरकरार है। ऐसी असमानताएं अमूमन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में नागरिकों को उपलब्ध संसाधन और अवसरों की भिन्नता का परिणाम होती है। इसलिए अक्सर समान अवसर या फिर मुकाबले के लिए एक समान स्थितियों की मांग उठती है। हमें याद रखना चाहिए कि सामाजिक राजनीतिक समानता न्यायपूर्ण और समतावादी समाज के गठन के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण घटक, लेकिन वह अपने आप में पर्याप्त भी नहीं। बात करते हैं सामाजिक समानता के बारे में। किसके सामाजिक समानता के बारे में? राजनीतिक समानता या समान कानूनी अधिकार देना इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम था, पर इसके साथ अवसरों की समानता देना भी महत्वपूर्ण था। राजनीतिक समानता की जरूरत उन बाधाओं को दूर करने में, जिन्हें दूर किए बिना लोगों का सरकार में अपनी बात रखने और उपलब्ध साधनों तक पहुंचाना संभव नहीं होगा। समानता के उद्देश्य की आवश्यकता यह भी है कि विभिन्न समूह और समुदाय के लोगों के पास इन साधनों और अवसरों के को पाने के का बराबर और उचित मौका हो, और इसके लिए यह जरूरी है कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के प्रभावों को न्यूनतम किया जाए। समाज में सभी सदस्यों के जीवन यापन के लिए अन्य चीजों के अतिरिक्त पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, अच्छी शिक्षा पाने का अवसर, उचित पोषक आहार, न्यूनतम वेतन जैसी कुछ न्यूनतम चीजों की गारंटी भी जरूरी मानी गई।
इन सुविधाओं के अभाव में समाज के सभी सदस्यों के लिए समान शर्तों पर स्पर्धा करना संभव नहीं होगा। जिस समाज में अवसरों की समानता विद्यमान ना हो, वहां में अंतर्निहित प्रतिभा का विशाल खजाना बर्बाद हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, क्या देखा होगा, कि आप संसद में देखिए कि इस बार सबसे ज्यादा महिलाएं चुनी गई हैं, 78 के करीब आपकी महिलाएं चुनी गई हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपकी 17वीं लोकसभा में 78 महिलाएं हैं। ठीक है, आप सोचिए कि अगर महिलाएं संसद में ना जाए, लोकसभा में ना चुनी जाए, तो महिलाओं की क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं हैं, उन्हें कौन से अधिकार चाहिए, उन्हें कौन सी सुविधाएं चाहिए, इसे मुझे लगता है कि पुरुषवादी लोग कभी नहीं समझ सकते हैं। समझ रहे हैं आप? सोचिए कि ये गरीबी की क्या जरूरत है, इसे कौन समझ सकता है, उस परिवार उस समूह से एक तरह से जो लोग आते हो। इसीलिए आप देखते होंगे लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण किया जाता है, एक तरह से आप कहिए किन के लिए, एसटी के लिए, कि उनका भी कोई नेतृत्व करे, उनकी भी समस्याओं को कोई बताए। यहाँ की भारत में समान अवसरों की मद्देनजर एक विशेष समस्या सुविधाओं की कमी की वजह से नहीं है, बल्कि कुछ सामाजिक रीति रिवाजों से सामने आती है। देश के विभिन्न हिस्सों में औरतों को उत्तराधिकार का समान अधिकार नहीं मिलता है। कुछ एक गतिविधियों में उनके शामिल होने पर पाबंदी होती है और उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने से भी हतोत्साहित किया जाता है। ऐसे मामलों में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और औरतों को समान कानूनी अधिकार प्रदान करना सार्वजनिक स्थलों और रोजगार में भेदभाव और परेशानी से बचाने वाली नीतियां बनाना और शिक्षण या फिर कुछ अन्य पेशों में प्रवेश के लिए प्रोत्साहन देने जैसे उपाय करने करके राज्य यह भूमिका निभा सकता है। लोगों में जागरूकता बढ़ाने और इन अधिकारों का प्रयोग करने वालों को समर्थन देकर भी राज्य अपनी अपनी भूमिका निभा सकता है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि इसमें कौन सा शब्द है जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो। यहाँ आप केरल से आप लोग एक तरह से जोड़ के देख सकते हैं, जब भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो केरल का मामला आप देख सकते हैं। मुस्लिमों की आप देखते होंगे तलाक, 3 तलाक, इस तरह के मुद्दे को भी आप लोग उसमें आंसर में लिख सकते हैं। केरल में आप देखते थे एक मंदिर में आप सोचिए कि महिलाओं को सबरीमाला मामला जो है, इसमें आप देखते हैं महिलाओं को प्रवेश करने का एक तरह से उसमें पाबंद है। अरे भाई, जिन लोगों ने मुझे जिसने जन्म दिया है उसे ही पाबंद, उसे अशुद्ध कैसे समझ लें हम लोग? एक पुजारी या महात्मा या कोई आपका गुरु कहे कि ये अशुद्ध है, तो एक तो पहले आप लोग एक तरह से गांधी की भाषा में बात मत करिएगा, सुभाष चंद्र बोस की और मुझे लगता है भगत सिंह की भाषा में बात करना चाहिए, कि मतलब तुम्हें जिसने जन्म दिया है उसे ही तुम असमान, मतलब एक तरह से हो, फिर उससे बड़े तो तुम हो अछूत। तो एक अच्छा निर्णय है और आपने देखा है कि आपके न्यायालय ने उस पर अच्छा निर्णय दिया है। यही आप लोग महिलाओं की स्थिति में मुस्लिमों में भी देखा है, उसका धर्म गुरुओं विरोध करते हैं धर्म गुरु, क्योंकि इनका काम धंधा नहीं चल सकता है। आप सोचिए कि आप पढ़ लिख जाए और आप हर क्षेत्र में अपने आप में सक्सेस हो, अपनी सोच भी आपके पास हो, काम करने का तरीका भी हो, तो जो आपको सलाह देने वाले होंगे, जो आप जिन्हें धर्म गुरु मानते थे, उनका बाजार तो एक तरह से ठप हो जाएगा। कई धर्म गुरुओं को देखते हैं, कारनामाओं को कि आप देखते हैं जिनकी आप पूजा करते रहे हैं और वही आज किस तरह से निकले। अब बात करते हैं आर्थिक समानता की। मुझे लगता है कि ये जब भी आरक्षण का मामला हो तो आर्थिक रूप में भी आरक्षण देना चाहिए, जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उन्हें भी एक तरह से अवसर मिलना चाहिए। आर्थिक असमानता ऐसे समाज में विद्यमान होती है जिसमें व्यक्तियों और वर्गों की भी धन दौलत या आमदनी में खासी भिन्नता हो। आर्थिक असमानता की डिग्री नापने का एक तरीका तो यह है कि संपन्नतम और निर्धनतम समूहों के बीच का अनुपातिक अंतर नापा जाए। एक अन्य तरीका गरीबी रेखा से नीचे वाले रहने वाले लोगों की संख्या का आकलन करना, और यह सही है कि समाज में धन दौलत आमदनी की पूरी समानता संभवतः कभी विद्यमान नहीं रही है। आज अधिकतर लोकतंत्र लोगों को समान अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। यह माना जाता है कि समान अवसर कम से कम उन्हें अपनी हालात को सुधारने का मौका देते हैं। जिनके पास प्रतिभा और संकल्प है, समान अवसरों के साथ भी असमानता बनी रह सकती है, लेकिन इसमें संभावना छुपी है कि आवश्यक प्रयासों द्वारा कोई भी समाज में अपनी स्थिति बेहतर कर सकता है। इसमें आप लोग देखते होंगे,
अगर ये आप कहें कि समझदार व्यक्ति सक्सेस है या वो सफल है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के आपको हजार उदाहरण देखने को मिलते होंगे। एक तरफ आप अपने नेता को देख लीजिए, नेता कितना पढ़ा लिखा है, कितना समझदार है। कहीं मैंने पढ़ा वो लिखा हुआ देखा था कि देखिए, तब तक आपकी योग्यता धरी की धरी रह जाती है जब तक कि आपको अवसर मिलने का मौका ना मिले। इसलिए वो राम, आप सोचिए, आप में मुझे लगता है कि आपके यहाँ का विधायक है, आपके यहाँ का जो लोकसभा सदस्य है, उससे आप बेहतर सोच रखते हैं, काम करने का तरीका बेहतर है आपका, लेकिन आपको समान एक तरह से अवसर नहीं मिला है, वरना आप अपने क्षेत्र का विकास उससे बेहतर कर सकते थे। लेकिन समाज के लिए गहरी खाई जैसे जैसी वे असमानताएं अधिक खतरनाक हैं जो पीढ़ियों से अन छुई रही हैं। अगर किसी समाज के लोगों में लोगों के कुछ खास वर्ग के लोगों लोग पीढ़ियों से बेशुमार धन दौलत और इसके साथ हासिल करने वाली सत्ता का उपभोग करते हैं, तो समाज वर्गों में बट जाता है। एक ओर वे जो पीढ़ियां धन से विशेष अधिकार और सत्ता का उपभोग करते आए हैं, और अन्य जो पीढ़ियों में से गरीब बने रहे हैं। कालक्रम में ऐसा वर्ग भेद आक्रोश और हिंसा को बढ़ावा दे सकता है। अभी वर्गों की शक्ति के कारण ऐसे समाज को अधिक खुला व समतावादी बनाने के लिए सुधारना ज्यादा कठिन साबित हो सकता है। नक्सलवाद ने कहां से एक तरह से आप सोचिए जन्म लिया, इसी स्थिति से, इसी परिस्थिति से, समझ रहे हैं आप लोग। मार्क्सवाद और उदारवाद हमारे समाज की दो प्रमुख राजनीतिक विचारधाराएं। मार्क्सवाद 19वीं सदी का एक प्रमुख विचारक था। मार्क्स ने दलील दी कि खाईनुमा असमानताओं का बुनियादी कारण महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन जैसे जल, जंगल, जमीन या तेल समेत अन्य प्रकार की संपत्ति का निजी स्वामित्व मालिकों के वर्ग को सिर्फ अमीर नहीं बनाता, उन्हें राजनीतिक ताकत भी देता है। यह ताकत उन्हें राज्य की नीतियों और कानूनों को प्रभावित करने में सक्षम बनाती है और वे लोकतांत्रिक सरकार के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। मार्क्सवादी और समाजवादी महसूस करते हैं कि आर्थिक असमानता, सामाजिक रुतबे या विशेष अधिकार जैसी अन्य तरह की सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा देती है। इसलिए समाज में असमानता से निपटने के लिए हमें समान अवसर उपलब्ध कराने से आगे जाने और आवश्यक संसाधनों और अन्य तरह की संपत्ति पर जनता का नियंत्रण कायम करने और सुनिश्चित करने की जरूरत है। ऐसे विचार विवादास्पद हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जिनके समाधान करने की जरूरत है। एक आप लोगों को बताता हूं, आपको सोचिए, क्या सोचिए आप लोग कि निजीकरण का मामला चल रहा है हमारे देश में, प्राइवेटेशन, क्या हम लोग इसके लिए तैयार हैं? अच्छी बात है प्राइवेट करना। आप सोचिए कि एक ट्रेन है या बस के, अब सबसे बेहतर उदाहरण यहां से आप लोग देख सकते हैं, यूपी में तो मुझे लगता है कि अभी बस चलती हैं, सरकारी बसें चलती हैं, प्राइवेट बसें चलती हैं। प्राइवेट बसों का किराया महंगा रहता है, सरकारी बसों का किराया सस्ता रहता है, सुविधा लेकिन प्राइवेट बसों में बेहतर रहती है। आप जाएंगे तो आप किससे, मुझे लगता है कि आप स्थिति अधिकतर लोग जाएंगे सरकारी बस से, किस लिए? क्योंकि किराया कम है। तो आप सोचिए प्राइवेट, समझ रहे हैं कि प्राइवेट सुविधा को बेहतर दे सकता है, बनाता है, लेकिन हर किसी के पास उसे खरीदने के लिए सुविधा है, हर किसी की हैसियत है कि उस सुविधाओं को हर कोई खरीद सके। तो पहले उन लोगों को उठाइए, तो वहां से लाइए, तो उसके बाद आप एक तरह से प्राइवेट कहिए, कुछ भी करिए। एक तरफ आप देखते हैं कि एक कोई गरीब यानी कि पिछड़ा, एक तरह से आर्थिक स्थिति जिसकी खराब है, वो घर में एक तरह से जान दे देता है, बीमारी अगर कोई हो जाती है पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और दूसरी तरफ एक अच्छे वर्ग को देखिए, आर्थिक स्थिति जिसकी मजबूत है, वो भारत की छोड़िए, वो विदेश में जाता है इलाज करवाने के लिए, वो वीआईपी एक तरह से आप सोचिए हॉस्पिटल में जाता है। तो पहले हमें सुविधा, हमें सबको एक स्थिति में लाना होगा, उस समय हम कहते हैं कि प्राइवेट बहुत अच्छा कदम है प्राइवेट, लेकिन हमें परिस्थितियों को भी देखना चाहिए, क्या इससे लाभ भी तो होंगे लेकिन नुकसान भी होंगे। शिक्षा में समानता की बात करें तो नीचे दी गई तालिका में विभिन्न समुदायों की शैक्षणिक स्थिति से कुल जुड़े कुछ आंकड़े दिए गए। इन समुदाय की शैक्षणिक स्थिति में जो अंतर है, क्या भी महत्वपूर्ण है? क्या इन अंतरों का होना केवल एक सहयोग है, या ये अंतर जाति व्यवस्था के अवसर की ओर संकेत करते हैं? आप यहाँ जाति व्यवस्था के अलावा और किन कारणों का प्रभाव देखते हैं? शहरी भारत में उच्च शिक्षा में जातिगत समुदाय में
असमानता, ये जाति समुदाय हो गए, 35,000 लोगों में स्नातकों की संख्या। अनुसूचित जाति में आपको देखने को मिलेगा हजारों में 47 मार्क, मुस्लिम में आपको 61, हिंदू अन्य पिछड़ी जातियों की बात करें 86, अनुसूचित जाति की बात करें 109, ईसाई की बात करें 237, सिख की बात करें 250, हिंदू उच्च जातियों की बात करें 253, अन्य जाति समुदायों की बात करें 315, अखिल भारतीय औसत की बात करें तो 155। अब आप सोचिए कि हिंदू में उच्च जातियां हैं 253,000 में लोग स्नातक करते हैं, वहीं आप सोचिए अनुसूचित जाति 47 मात्र है, क्या इनकी तुलना इनसे की जा सकती है? यहां आरक्षण, आप समझेंगे कि आरक्षण क्यों जरूरी है। ठीक है, इस पर भी देखते रहिए वाद विवाद। महिलाओं को सेना की लड़ाकू टुकड़ियों में शामिल होने और सेना के सर्वोच्च पद पर पहुंचने की अनुमति होनी चाहिए, अब तो आपकी खुल भी गया है। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लीय असमानता, ये आपने देखा कुछ समय पहले फिर देखने को मिला है, श्वेत अश्वेत लोगों में भेदभाव, ये अमेरिका में अभी भी आपको देखने को मिलता है। 1968 न्यूनतम मजदूरी में वास्तविक रूप से 35% की कमी 2006, ऊपरले 20% लोगों का 83% धन संपदा पर अधिकार और आय की असमानता आपको स्पष्ट दिखाई दे गई हो, निचले 20% लोगों के पास धन संपदा बिल्कुल नहीं, यानी कि एक तरफ आपको जमीन आसमान का फर्क दिखाई दे रहा हो, 20% लोगों के पास 83% धन है, 100 रुपये हैं तो उनमें से आप सोचिए 20 लोगों के पास 83 रुपये हैं और बाकी लोगों के पास आप सोचिए 17 रुपये हैं, समझ रहे हैं, 80% लोगों के पास। 40 वर्ष से कम उम्र के 10 लाख अभिकामी की लोगों जेल की सलाखों के पीछे, 13% अश्वेत पुरुष वयस्क मताधिकार से वंचित हैं। आप सोचिए हमारे यहाँ अच्छी बात है कि महिलाओं को उसी समय अधिकार दिए गए थे वोट देने का, सब कुछ कई देशों में बहुत बाद में मिले एक तरह से, आप समझ रहे हैं, अभी भी आपको एक तरह से भेदभाव ही किया जाता है। एक अधूरा सपना, संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ली असमानता के बारे में और भी खोज करें, हमारे देश में कौन कौन सी समूह इसी प्रकार की असमानता के शिकार हैं, अमेरिका में असमानता को कम करने के लिए किसी प्रकार की नीति अपनाई गई है, क्या उनके अनुभवों से कुछ सीखा जा सकता है, क्या उन्होंने भी हमारे अनुभव से कुछ सीखा, इसे अपने परिप्रेक्ष्य में हम लोग STST या निचली जाति का देख सकते हैं, एक धर्म का दूसरे धर्म। उदारवादी सिद्धांतों में विरोधी दृष्टिकोण पाया जा सकता है, उदारवादी समाज में संसाधनों और लाभांश के वितरण के सर्वाधिक कारगर उचित तरीके के रूप में प्रतिद्वंद्विता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं, वे मानते हैं कि सबके लिए जीवन यापन के न्यूनतम स्तर और समान अवसर प्रदान करने सुनिश्चित करने के लिए राज्य को हस्तक्षेप करना है, लेकिन इससे समाज में खुद ब खुद समानता और न्याय स्थापित नहीं हो सकता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष परिस्थितियों में लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा की समाज में लाभांशों के वितरण का सबसे न्यायपूर्ण और कारगर उपाय होती है। उदारवादियों का मानना है कि जब तक प्रतिस्पर्धा स्वतंत्र और खुली होगी, असमानताओं की खाइयां नहीं बनेंगी और लोगों को अपनी प्रतिभा और प्रयासों का लाभ मिलता रहेगा। आप लोग जब भी इस तरह के डिबेट होते हैं तो राज्यसभा टीवी जरूर फॉलो करिए, आप लोग लोकसभा राज्यसभा टीवी आप लोग जरूर देखा करिएगा, ठीक है, तब आपको बेहतर वहां जो भी बैठते हैं लोग वो बेहतर समझाते हैं। ठीक है, उदारवादियों के लिए नौकरियों में नियुक्ति और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए चयन के उपाय के रूप में प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत सर्वाधिक न्यायचित कारगर, उदाहरण स्वरूप अपने देश में अनेक छात्र व्यवसायिक पाठ्यक्रम में नामांकन की आशा करते हैं जबकि प्रवेश के लिए अत्यधिक कड़ी स्पर्धा है, समय समय पर सरकार और अदालतों ने शैक्षणिक संस्थानों प्रवेश परीक्षाओं का नियमन करने के लिए हस्तक्षेप किया ताकि हर प्रत्याशी को स्पर्धा का उचित और समान अवसर मिले, फिर भी कुछ को प्रवेश नहीं मिलता है, लेकिन इसे सीमित सीटों के बंटवारे का निष्पक्ष तरीका माना जाता है, यानी कि कहने का मतलब है एक खास वर्ग को कुछ सीटें आरक्षित कर दी जाए। आप देखेंगे इस तरह, आप देखिए कि आपका मन है कि इंजीनियर आपको करनी या आपको डॉक्टरी कोई भी पढ़ाई करनी, तो आप अगर आर्थिक स्थिति अपनी है तो आप पिताजी से कहेंगे वो बेहतर आपको भेज देंगे, लेकिन दूसरी तरफ उस व्यक्ति को देखिए जिसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब है, जिसके लिए खाने के लिए पैसे नहीं है, हाँ उसमें आप समझिए मेहनत करने का उसमें जज्बा है हर कुछ करने का, लेकिन किस रूप से पिछड़ गया है, आर्थिक रूप से। इसीलिए तो कहता हूँ शिक्षा स्वास्थ्य मैं कहता हूँ फ्री होना चाहिए या इस हालत में होना चाहिए
कि आप सोचिए कि हर कोई उसे अफोर्ड यानी कि खरीद सके। ठीक है, समाजवादियों ने से उलट उदारवादी नहीं मानते हैं कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असमानता एक दूसरे से अनिवार्यता जुड़ी होती है। उनका मानना है कि इनमें से हर क्षेत्र की असमानताओं का निराकरण ठोस तरीके से करना चाहिए और इसलिए लोकतंत्र राजनीतिक समानता प्रदान करने में मददगार हो सकता है। लेकिन सामाजिक भिन्नताएं और आर्थिक असमानताएं के समाधान के लिए विविध रणनीतियों की खोज करना भी जरूरी है। उदारवादियों के लिए असमानताएं अपनी आप में समस्या नहीं है अपने आप में, बल्कि वे केवल ऐसी अन्यायी और गहरी असमानताओं को ही समस्या मानते हैं जो लोगों को उनकी व्यक्तिगत क्षमताएं विकसित करने से रोकती हैं। यहाँ भी कुछ आपका एक दिया गया है पैराग्राफ, इसे भी दे लीजिए। नारीवाद, इस तरह के टॉपिक भी आप लोग बड़े अच्छे से पढ़ लिया करिएगा। नारीवाद स्त्री पुरुष के समान अवसरों का पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धांत है। बे स्त्री या पुरुष नारीवाद कहलाते हैं जो मानते हैं कि स्त्री पुरुष के बीच की अनेक असमानता ना तो नैसर्गिक है और ना ही आवश्यक है। नारीवादियों का मानना है कि इन असमानताओं को बदला जा सकता है, स्त्री पुरुष एक समान समतापूर्ण जीवन जी सकती हैं। यही आप लोग देख सकते हैं कि हमारे इतिहास में एक मात्र महिला हुई है, इंदिरा गांधी, जो प्रधानमंत्री बनी हुई है। अभी तक आने वाले समय को मालूम नहीं है, उसी तरह आप प्रतिभा पाटिल साहब को देख सकते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो यहाँ भी तो आपको खास दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आप लोकसभा राज्यसभा सदस्यों की बात कर लीजिए, जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा आप लोग को। कौन से आप सोचिए कि कौन से, मुझे लगता है कि पुरुष नेताओं से ज्यादा अच्छी महिलाएं नेता काम करते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ आपको देखने को मिलेगा भ्रष्टाचार भी कम करेंगी वो, मुझे ऐसा लगता है, समझ रहे हैं। दूसरी तरफ आप पुरुषों को देख लीजिए, वो तो नेता बनते ही इसलिए लूटने के लिए। नारीवाद के अनुसार स्त्री पुरुष असमानताएं पित्त सत्ता का परिणाम, पित्त सत्ता से ऐसे एक ऐसी सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक अवस्था से है जिसमें पुरुषों को स्त्री से अधिक महत्व और शक्ति दी जाती है। आप लोग सुनते रहते होंगे कि पित्त सत्ता समाज है, यानी कि पिता या पुत्र को अधिक महत्व देना, वही एक तरह से जेंडर ग्रैप है ये, आप समझिए कि फीमेल को मेल से कम महत्व देना। पित्त सत्ता इस मान्यता पर आधारित है कि पुरुष और स्त्री प्रकृति से भिन्न है और यही भिन्नता समाज में उनकी असमान स्त्री को न्यायोचित ठहराते हैं। नारीवादी इस नजरिए पर सवालिया निशान लगाते हैं। इसके लिए वे स्त्री पुरुष के जैविक विभेद और स्त्री पुरुष के सामाजिक भूमिकाओं के विभेद के बीच अंतर करने का आग्रह करते हैं। जैविक या लिंग भेद सेक्स प्राप्ति को जन्मजात होती है, जबकि लैंगिकता समाज जनित होती है। इसे यूं भी समझा जा सकता है कि मनुष्य का नर या मादा रूप में जन्म लेता है, लेकिन औरत या मर्द को जिन सामाजिक भूमिकाओं में हम देखते हैं उन्हें समाज गढ़ता है। उदाहरण के लिए जीव विज्ञान का तथ्य है कि केवल औरत ही गर्भ धारण करके बालक को जन्म दे सकती है, लेकिन जीव विज्ञान के तथ्य में यह निहित नहीं है कि जन्म देने वाले के बाद केवल स्त्री ही बालक वाला लालन पालन करे। नारीवादियों में हमें सिखाया है कि स्त्री पुरुष असमानता का अधिकांश प्रकृति ने नहीं समाज में पैदा किया है। मैं तो कहता हूँ सिक्के के दो पहलू होते हैं चित्रपट, उसी तरह आप पुरुष को और नारी को भी समझिए, समझ रहे हैं आप लोग। आप ये नहीं कह सकते, आप सोचिए क्या कल्पना की जा सकती है इस समाज, इस दुनिया की जो परिस्थिति है। अगर सोचिए महिलाओं को, अगर आप इतना गलत समझते हैं, इतना एक तरह से आप असमानता फैला हुआ है, क्या उनके बिना संभव है ये दुनिया चलना। और किस क्षेत्र में आप, किस क्षेत्र की बात करिए, हर क्षेत्र में आप देखिए वो एक तरह से बढ़ चढ़ के अपना काम कर रही हैं। वहीं आप आजादी में भी चले जाइए, इस तरह के क्वेश्चंस आपके तब भी लिखने के लिए आ जाते हैं कि हमारी आजादी में महिलाओं का क्या योगदान रहा है। रानी लक्ष्मीबाई को देख लीजिए, क्या उस समय भी पुरुष नहीं थे? कौन से पुरुष की बात करते हैं उस समय, एक महिला ने आप सोचिए कितना संघर्ष किया। और दूसरी तरफ आप सिंधिया घराने को देख लीजिए उसी समय, क्या वहां भी भेदभाव की बात करनी चाहिए कि एक ने अपने देश के लिए जान दे दी और दूसरे ने अपने देश को, अपने राज्य को, अपने आप को बचाने के लिए दूसरे की बलि दे दी। इसीलिए तो आप इतिहास में पढ़ते हैं कि सीधा इतिहास की कोई भी स्पेशल बुक्स पढ़िए, उसमें आपको लिखा मिलेगा सिंधिया गद्दार था। और ये गद्दार शब्द उस समय तक रहेगा जब तक कि ये इतिहास रहेगा, और आप सभी जानते हैं इतिहास तब तक रहेगा जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जब तक मानव रहेगा। ठीक है,
तो महिलाएं कभी भी कम नहीं थी, बस उन्हें एक तरह से अवसर नहीं दिए गए। मैं वही बता रहा हूं ना कि आपकी योग्यता धरी की धरी रह जाती है जब तक कि आपको अवसर ना मिले, समझ रहे हैं? पितृसत्ता ने श्रम का कुछ विभाजन किया है जिसमें स्त्री निजी और घरेलू किस्म के कामों के लिए जिम्मेदार है, जबकि पुरुष की जिम्मेदारी सार्वजनिक बाहरी दुनिया में। नारीवाद इस विभेद पर भी सवाल खड़े करते हैं। अब इसमें इसमें कौन सा कहां लिखा हुआ है? आप सोचिए कि आप खाना नहीं बना सकती। मैं कई लोगों को ऐसा भी जानता हूं कि जो जिनकी बीवियां नौकरी करती हैं और वो घर संभालते हैं, तो उनमें कौन सी असमानता की बात की जाए? उनका कहना है कि अधिकतर स्त्रियां सार्वजनिक और बाहरी क्षेत्र में भी सक्रिय होती हैं, इसलिए दुनिया भर में अधिकतर स्त्रियां घर से बाहर अनेक क्षेत्रों में कार्यरत हैं, लेकिन घरेलू कामकाज की पूरी जिम्मेदारी केवल स्त्री के कंधों पर है। नारीवादी इस स्त्रियों के कंधे पर दोहरा बोझ बताते हैं, और हालांकि इस दोहरे बोझ के बावजूद स्त्रियों को सार्वजनिक क्षेत्र के निर्णयों में ना के बराबर महत्व दिया जाता है। नारीवाद का मानना है कि निजी सार्वजनिक के बीच यह भेद और समाज या व्यक्ति द्वारा गढ़ी हुई लैंगिक असमानता के सभी रूपों को मिटाया जा सकता है और मिटाया जाना भी चाहिए। मैं इस भेदभाव के पक्ष में कभी नहीं हूं, फिर चाहे किसी जाति के विरुद्ध हो या किसी समूह के, समझ रहे हैं आप? अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं पर ध्यान दो और उनमें नजरें आने वाली सभी आर्थिक सामाजिक असमानताओं की सूची बना सकते हैं। आप लोग वैसे भी मैं बता रहा हूं कि अगर समाज से जुड़े हैं आप तो आराम से इसे अनुभव कर सकते हैं, इस असमानता और बेहतर आप समझ सकते हैं और बेहतर आंसर भी लिख सकते हैं आप, अगर इस फील्ड में आपको आंसर लिखना है तो। देखिए, किताब में रट्टा मारने से मुझे नहीं लगता है कि आप किसी भी परीक्षा में इस समय सफल हो सकते हैं। वन डे एग्जाम तो है नहीं है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ, रट लिया। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह कब हुआ, समझ रहे हैं? असहयोग आंदोलन कब हुआ, इस तरह की रटना नहीं है। मुझे लगता है कि अब आपको एक तरह से लिखना है, अपनी सोच भी वहां बतानी है, ठीक है? तो इसे सबसे बेहतर है कि आप बहुत अंदर तक इसे फील करिए। हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? अभी समानता के उद्देश्य को पाने के सर्वाधिक वांछनीय तरीके के बारे में समाजवादियों और उदारवादियों के बीच के कुछ बुनियादी मतभेदों पर चर्चा की गई, जबकि इन अलग अलग दृष्टिकोणों के तुलनात्मक गुणों और सीमाओं पर विश्व भर में बहस हो रही है। आज भी यह विचार करना जरूरी है कि समानता की ओर बढ़ने के लिए कौन सी सिद्धांत और नीतियां आवश्यक होती हैं। खासतौर से सोचना है कि क्या समानता लाने के उद्देश्य के लिए सकारात्मक योजना उचित है। इस मुद्दे पर हाल के वर्षों में बहुत विवाद खड़ा हुआ है। इस विषय पर अगले खंड में हम लोग चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं औपचारिक समानता की स्थापना। समानता लाने की दिशा में पहला कदम असमानता और विशेष अधिकार की औपचारिक व्यवस्था को समाप्त करना होगा। दुनिया भर में सामाजिक आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक असमानताओं को कुछ रीति रिवाजों और कानूनी व्यवस्थाओं से संरक्षित रखा गया। इन रिवाजों या कानूनों द्वारा समाज के कुछ हिस्सों को तमाम किस्म के अवसरों और लाभों का आनंद उठाने से रोका जाता था। बहुत सारे देशों में गरीब लोगों को मताधिकार से वंचित रखा जाता था। महिलाओं को बहुत सारे व्यवसाय और गतिविधियों में भाग लेने की इजाजत नहीं थी। भारत में जाति व्यवस्था निचली जातियों को शारीरिक श्रम के अलावा कुछ भी करने से रोकती थी। कुछ देशों में केवल कुछ खास परिवारों के लोगों की लोग ही सर्वोच्च पद तक पहुंच सकते थे। मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि देखिए, मौलिक अधिकार क्यों दिए गए आप लोगों को? आसानी से तो आप किसी से, एक तरह से आप सोचिए कि आपके अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है, अधिकारों का, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। क्यों ये व्यवस्था की गई है? क्योंकि आप समझिए, इतनी आसानी से आपको नहीं मिलने वाला था अधिकार, क्योंकि जो मान्यताएं गढ़ दी गई है उसे इतने जल्दी खत्म करना आसान नहीं। इसीलिए आप देखते हैं कई नियम कानून भी लाए जाते हैं कि अगर कोई समाज दूसरे के साथ भेदभाव कर रहा है तो सजा का, जुर्माने का भी प्रबंधन रखा जाता है। समाजवाद, इसे भी देख लेते हैं। समाजवाद असमानताओं के जवाब में उपजे कुछ राजनीतिक विचारों का समूह है। एक खासकर वे असमानताएं थी जो औद्योगिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं से पैदा हुई है, उस समय बाद तक बनी रही है। समाजवाद का मुख्य सरोकार वर्तमान असमानताओं को न्यूनतम करना और संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा है। हालांकि समाजवाद के पक्षधर पूरी तरह से बाजार के खिलाफ तो नहीं होते हैं, लेकिन वे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे
आधारभूत क्षेत्रों में सरकारी नियोजन और नियंत्रण का समर्थन करते हैं। आप देखते होंगे रूस को देख लीजिए एक तरफ, अमेरिका को देख लीजिए, ठीक है, समाजवादी रूस है और पूंजीवादी अमेरिका है। भारत में प्रमुख समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया ने 5 तरह की असमानताओं की पहचान की जिनके खिलाफ एक साथ लड़ना होगा। और सीधी बात, समाजवाद और पूंजीवाद से एक और आपको फर्क देखने को मिलेगा। जो समाजवादी होंगे ये समाज को लेने की बात करेंगे, सबका ख्याल रखने की बात करेंगे, और जो पूंजीवादी होंगे वो लाभ पर ज्यादा ध्यान देंगे, वो मानव कल्याण पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। ये बहुत छोटा सा एक तरह से सरल भेदभाव, मतलब इसमें तुलना, यानी कि आपका ये तुलना का एक निष्कर्ष है, ठीक है। जब भी पूंजीवादी के बारे में पूछता है कोई तो एक शब्द में बोल दीजिए ये समाज को ज्यादातर मतलब एक तरह से ध्यान में नहीं देते हैं, उनका मानव कल्याण उनका कोई उद्देश्य ज्यादा नहीं होता है, उनका मेन उद्देश्य होता है लाभ कमाना। और दूसरी तरफ समाजवाद के बारे में करें तो ये लाभ कमाने पर कम ध्यान देते हैं लेकिन समाज के हर तबके को ज्यादा ध्यान में रखते हैं। स्त्री पुरुष असमानता, चमड़ी के रंग पर आधारित असमानता, जातिगत असमानता, कुछ देशों का अन्न का परोक्ष औपनिवेशिक शासन, और निसंदेह आर्थिक असमानता। जब भी आप लोग लिख रहे हो इस तरह के कोट तो राम मनोहर लोहिया ने 5 तरह की जो असमानताओं की पहचान की थी इन्हें भी आप लोग वहां शामिल की कह सकते हैं, या लिख सकते हैं कि राम मनोहर लोहिया के अनुसार इनकी 5 तरह की असमानताओं की पहचान की थी और उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। यह आज स्वप्रमाणित धारणा लग सकती है लेकिन लोहिया के समय में समाजवादियों के बीच आम तौर पर यह तर्क चलता था कि असमानता का एकमात्र रूप वर्गीय असमानता है जिसके खिलाफ संघर्ष अपरिहार्य है, दूसरी असमानताएं गौण है, या फिर आर्थिक असमानताओं का खात्मा होते ही वे स्वतः खत्म हो जाएंगे। लोहिया का कहना था कि इन असमानताओं में से प्रत्येक की अलग अलग जड़ें हैं और उन सबके खिलाफ अलग अलग लेकिन एक साथ संघर्ष छिड़ने होंगे। उन्होंने एकांगी क्रांति की बात नहीं की कही, उनके लिए उक्त 5 असमानताओं के खिलाफ संघर्ष का अर्थ था कि 5 क्रांतियां। उन्होंने सूची में 2 और क्रांतियां को शामिल किया, व्यक्तिगत जीवन पर न्यायपूर्ण अतिक्रमण के खिलाफ, नागरिक स्वतंत्रता के लिए क्रांति तथा अहिंसा के लिए, सत्याग्रह के पक्ष में सस्त त्याग के लिए क्रांति। एक संघ सप्त क्रांतियां थे जो लोहिया के अनुसार समाजवाद का आदर्श करती। ऐसा माना जाता है कि आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आप सोचिए कई नेता उस समय पक्ष में थे कि हमारे देश में एक ही राजनीतिक दल होना चाहिए, लेकिन नेहरू गांधी जी ये उस समय वो लोग थे जो कह रहे थे कि बहुदलीय व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि जनता के पास विकल्प तो होना चाहिए। आप सोचिए एक ही आपके पास पार्टी होती तो आपके चुनने का क्या मतलब रहता, और आज कम से कम 5 साल में एक बार आपके दर्शन करने के लिए जो नेता आ जाते हैं, आपके पैरों में की कम से कम धूल जो छुटाते हैं, ये अलग बात है कि 5 साल उसके 5 साल बाद आप उनकी धूल छुटाते हैं, तो ये भी दर्शन ना होते, अभी जो आपका ख्याल रखा जा रहा है वो भी ना होता अगर ये एक दलीय व्यवस्था होती। आपके वोट का कोई महत्व आज भी नहीं है, आज तो कम से कम इतना महत्व है कि आप के दर्शन पा लेते हैं नेता का, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता अगर एक दलीय व्यवस्था होती, किसे वोट देते आप लोग, आपके पास ऑप्शन भी तो ना होता। आज तो आपके पास एक नोटा का ऑप्शन भी उपलब्ध हो गया है। समानता की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि ये सभी निषेध या विशेष अधिकारों का अंत किया जाए, क्योंकि ऐसी बहुत सी व्यवस्थाओं को कानून का समर्थन प्राप्त है, इसलिए जरूरी होगा कि सरकार और कानून समानता की व्यवस्थाओं को संरक्षण देना बंद करें। हमारा संविधान ने भी यही किया है। संविधान धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने पर निषेध यानी कि रोक लगाता है। धर्म के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, हम नस्ल, हम जाति, लिंग या जन्म स्थान कि वो दूसरे क्षेत्र में जन्म लिया हुआ है उसका इस आधार पर भेदभाव करें ये बिल्कुल नहीं, इस पर प्रतिबंध लगता है। और आप देखेंगे कि अगर इस तरह के भेदभाव होता है तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। हमारा संविधान छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन करता है। अधिकतर आधुनिक संविधान और लोकतांत्रिक सरकारें औपचारिक रूप से समानता के सिद्धांत को स्वीकार कर चुकी हैं और इस सिद्धांत को जाति, नस्ल, धर्म या लिंग पर ध्यान दिए बिना सभी नागरिकों को कानून के एक सर्वान वर्ताव के रूप में समाहित किया गया। आप लोग मुझे लगता है MPPSC की तैयारी करते होंगे या MPPSC का भी पेपर दिया है, तो उसमें ST ST जो 3 एक्ट थे आपके, एक मानवाधिकार एक्ट, एक ST ST एक्ट, इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते थे। उसमें भी आपने देखा होगा कि उनमें मतलब भेदभाव को खत्म करने के लिए वो लाए गए थे।
विभेदक बर्ताव द्वारा समानता की बात करें अगर हम लोग, जैसा कि हम देख चुके हैं कि समानता के सिद्धांत को यथार्थ में बदलने के लिए औपचारिक समानता या कानून के समक्ष समान आवश्यक तो है लेकिन पर्याप्त नहीं। कभी कभी यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोग समान अधिकारों का उपभोग कर सकें और उनसे अलग अलग बर्ताव करना आवश्यक होता है, और इस उद्देश्य से लोगों के बीच कुछ अंतरों का ध्यान में रखना होता है। उदाहरण के लिए विकलांगों की सार्वजनिक स्थानों पर विशेष ढलान वाले रास्तों की मांग न्याय उचित होगी, क्योंकि इससे ही उन्हें सार्वजनिक भवनों में प्रवेश करने का समान अवसर मिल सकता है। देखिए, परिस्थिति को, व्यक्ति की परिस्थिति को भी ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ आप कहते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए एक तरह से लिफ्ट बनाई गई या बेहतर सुविधा दी गई है, तो उसकी स्थिति को तो हमें देखना होगा, समझ रहे हैं? उससे तुलना आपको तभी कर सकते हैं जो जब आप दोनों बराबर हैं। अगर वो किसी क्षेत्र में आपसे पिछड़ा हुआ है तो उसकी परिस्थिति भावनात्मक रूप से भी उसे देखना होगा। आप देखते होंगे कि बस में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट, बुजुर्गों के लिए आरक्षित सीट रहती है, और मुझे लगता है आप में भी मानवता है, तो कोई महिला अगर खड़ी हुई है तो आप भी दे सकते हैं सीट। ये अलग बात है कि दिल्ली में अगर आप सीट दे देंगे तो आपको बेवकूफ समझेंगे अगर किसी लड़की को आपने दे दिया है, लेकिन एक मानवता के नाते अगर कोई महिला है, बुजुर्ग है, या बुजुर्ग कोई पुरुष है, तो आप उसे सीट दे सकते हैं या व्यवस्था कर सकते हैं, थोड़े खिसक सकते हैं। तो इनके लिए हम न्यायोचित है इस असमान, एक तरह से आप कहिए इस तरह की व्यवस्था करना न्यायोचित है, समझ रहे हैं आप लोग? इस तरह रात में कॉल सेंटर में काम करने वाली महिलाओं को कॉल सेंटर आते जाते समय विशेष सुरक्षा की जरूरत हो सकती है, और इससे उसके काम के समान अधिकार की रक्षा हो सकेगी। समानता की कटौती इन्हें नहीं वरन बढ़ावा देने वाले उपायों के रूप में देखा जाना चाहिए। बिल्कुल साफ सुथरे चयन को सुनिश्चित करने के लिए आप सबको एक जैसा टेस्ट देना होगा, आप इसका सबको उस पेड़ पर चढ़कर दिखाना होगा। अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ एक तरह से आप कहिए कि सबकी परिस्थिति को देखना होगा हमें, समझ रहे हैं? किस तरह के विभेद और अवसरों तक समान अवसर को पहुंच को बाधित करते हैं, और इन बाधाओं को दूर करने के लिए किस तरह की नीतियां अपनाई जानी चाहिए। आजकल इस तरह के सवालों पर लगभग हर समाज में चर्चा हो रही है। कुछ देशों में अवसरों की समानता बढ़ाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई की नीतियां अपनाई हैं, और अपने देश में हमने आरक्षण की नीति अपनाई है। अगले खंड में सकारात्मक कार्रवाई के विचार को समझने का प्रयास करेंगे। हम सकारात्मक कार्रवाई के परिप्रेक्ष्य में अपनाई गई कुछ नीतियों और उठाए गए कुछ कदमों को भी समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सकारात्मक कार्रवाई एक क्या है। सकारात्मक कार्रवाई इस विचार पर आधारित है कि कानून द्वारा औपचारिक समानता स्थापित कर देना पर्याप्त नहीं है। असमानताओं को मिटाने के लिए जरूरी होगा कि असमानता की गहरी खाइयों को भरने वाले अधिक सकारात्मक कदम उठाए जाएं। इसलिए सकारात्मक कार्रवाई की अधिकतर नीतियां अतीत की असमानताओं के संचयी दुष्प्रभावों को दुरुस्त करने के लिए बनाई जाती हैं। सकारात्मक कार्रवाई के कई रूप हो सकते हैं। इसमें वंचित समुदाय के लिए छात्रवृत्ति और हॉस्टल जैसी सुविधाओं पर वरीयता के आधार पर खर्च करने से लेकर नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष व्यवस्था करने तक की नीतियां हो सकती हैं। अपने देश में वंचित समूहों को अवसर की समानता देने के लिए हमने नौकरियों और शिक्षा के आरक्षित स्थानों या कोटा की नीति को अपनाया। यह नीति बहुत वाद विवाद और असहमति का केंद्र रही है। इस नीति को इस आधार पर वकालत की गई है कि कुछ समूह वर्जना और अलगाव के कारण सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव के शिकार रहे हैं। जो समुदाय अतीत में पीड़ित और समान अवसरों से वंचित रहे हैं, उनमें से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वे अन्य लोगों से समानता की अवसर में प्रतिस्पर्धा करें। इसलिए एक समतामूलक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के हित में उनको विशेष संरक्षण और सहायता देने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा आयुष्मान भारत योजना एक चलाई गई। आप कह दीजिए कि उसकी क्या जरूरत थी, हमारी आर्थिक स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति सही है तो आप जाएंगे, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे और 2-10 लाख 50 लाख जितना लगा लगा दिया आपने इलाज में। वहीं आप देखिए किसी परिवार, ऐसे परिवार को जिसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो क्या करेगा? तो क्या इसमें व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? तो यहां जो आरक्षण व्यवस्था, जो भी एक तरह से सुविधा है, वो न्यायोचित है, समझ रहे हैं आप? आप कहते हैं आरक्षण हटाने की बात, मैं बिल्कुल इस पक्ष में, देखिए कोई नहीं बोल सकता है इस समय, जब तक कि हम दोनों को बराबर ना कर दें।
लेकिन जो 10% आरक्षण सामान्य जाति के लोगों को दिया, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। हम अपने बच्चे की तुलना उससे कभी, या उस बच्चे की तुलना अपने बच्चे से कभी नहीं कर सकते जो पिछड़ा हुआ है, बिल्कुल समझ रहे हैं, जिसके पास NCERT पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, और आप उससे तुलना करें, तो मुझे लगता है ये तो न्यायोचित नहीं है। ठीक है, अलग अलग तरह की शारीरिक विकलांगता के शिकार छात्रों को अन्य छात्रों की भांति सीखने के लिए आवश्यक सुविधाओं की एक सूची बनाओ। आपके विद्यालय में से कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं? इनमें केवल अपने दिमाग में देख लीजिए और थोड़ा अनुभव कर लीजिए, बनाने की सोची बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है, बस पढ़ना है आपको, निकल जाए। सकारात्मक कार्रवाई के रूप में विशेष सहायता को एक निश्चित समय अवधि तक चलने वाला तदर्थ उपाय माना गया है। इसके पीछे मानता है कि विशेष बर्ताव इन समुदाय को वर्तमान वंचनाओं से उबरने की क्षमता सक्षम बनाएगा, और फिर ये अन्य समुदायों से समानता के आधार पर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। हालांकि सकारात्मक कार्रवाई की नीतियों का समाज को अधिक समता मूल्य बनाने के लिए समर्थन किया गया है, लेकिन कुछ सिद्धांतकार इन नीतियों के खिलाफ तर्क देते हैं। वे सवाल करते हैं, क्या लोगों से विभेदकारी बर्ताव करने से कभी भी अधिक समानता की ओर ले जाएगा? यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ भी असमानता होने लगती है जब आप इस तरह के आरक्षण की व्यवस्था करते हैं। मेरा ऐसा मानना है, देखिए क्रीमीलेयर व्यवस्था बहुत बढ़िया है, समझ रहे हैं आप लोग, कि जिसकी हालत बुरी है उसे मिले आरक्षण, इसमें फिर चाहे वो ST ST OBC जनरल किसी भी समूह से हो, किसी भी कास्ट से हो, जिसके पास सुविधा खाने के लिए नहीं है उसे खाना मिले, जिसके पास शिक्षा के लिए पैसा नहीं है वो शिक्षा मिले, उसे स्वास्थ्य मिले। लेकिन आप कहेंगे एक तरह से आप, ये भी भेदभाव है कि आप सोचें जनरल में भी मैंने देखा है कि लोगों के पास खाने के लिए अच्छे से नहीं है, और ST वाले लोगों को भी देखा है, या दलित या जिसे भी, जो भी लोग हैं OBC, कि वो VIP कारों में घूम रहे हैं। तो इस तरह की क्रीमीलेयर व्यवस्था क्या करती है कि एक तरह से उन्हें बाहर कर देती है जो उठ चुके हैं ऊपर, आर्थिक स्थिति जिनकी सुधर चुकी है। ठीक है, और मुझे लगता है फिर दलितों के साथ भेदभाव भी नहीं किया जाता है। आप सोचिए कि कल के आप, मतलब किसी भी, मैं किसी का, देखिए इस समय पक्षकार बिल्कुल हूं नहीं, असमानता असमानता का, समझ रहे हैं, मैं सबको बराबर मानता हूँ, कोई भी धर्म हो, कोई भी समूह हो, कोई भी जात का हो, ठीक है, इससे मेरे लिए कोई नहीं है, मैं तो अपने नाम के आगे जाति भी नहीं लगाना चाहूंगा। लेकिन आपसे ही पूछ रहा हूं कि क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि इस तरह का उपाय होना चाहिए कि जो ऊपर उठ चुके हैं उन्हें बाहर किया जाए, और जिन्हें नहीं मिल रहा है आरक्षण उसकी व्यवस्था की जाए। ठीक है, सकारात्मक विभेदीकरण खासकर आरक्षण की नीतियों के आलोचक आलोचक इन नीतियों के खिलाफ तर्क देने के लिए समानता के सिद्धांत का सहारा लेते हैं। इसका मानना है कि वंचितों को उच्च शिक्षा या नौकरियों में आरक्षण या कोटा देने का कोई भी प्रावधान अनुचित है। क्या यह मनमाने तरीके से समाज के अन्य वर्गों को समान व्यवहार के अधिकार से वंचित करता है? आलोचकों का कहना है कि आरक्षण भी एक तरह का भेदभाव है। समानता की मांग है कि सब लोगों से बिल्कुल एक तरह से व्यवहार हो। जब हम व्यक्तियों के बीच जाति या रंग के आधार पर अंतर करते हैं, तब हम जातिगत और नस्लगत पूर्वाग्रह और भी मजबूत कर रहे होते हैं। इन सिद्धांतकारों के लिए उन सामाजिक रिश्तों को समाप्त करना महत्वपूर्ण है जो समाज को विभाजित करती है। मैं एक लड़के को ऐसा जानता हूं, पता है, मान लिया जाए कि अब ST ST है, ये भेद समाज ने रखा है, तो मुझे लगता है कि बोल देना कोई गलत नहीं है। वो ST ST जाति का था, वो खुली चुनौती देता था कि कोई भी मुझसे कंपटीशन करे। उसने कभी भी, आप सोचिए, उसे मतलब हमेशा उसके, वो अपने आरक्षण के दम पर एक तरह से वो सक्सेस नहीं होता था, वो अपनी एक तरह प्रतिभा, अपनी मेहनत के दम पर सक्सेस होता था। वो आप सोचिए जनरल के लोगों से, OBC के लोगों से उसके कई गुने ज्यादा नंबर आते थे, और वो सिलेक्ट होता था, समझ रहे हैं आप लोग, क्यों होता था? क्योंकि उसका परिवार इतना सक्षम था कि उसे VIP शिक्षा दे पाया, VIP सुविधा दे पाया। ठीक है, तो मुझे भी लगता था कि ऐसे लोगों को आरक्षण बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। इस बहस की रोशनी में यह प्रासंगिक होगा कि व्यक्ति के समान अधिकार और अधिकारों और राज्य के निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समानता के बीच फर्क किया जाए। व्यक्ति का किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश या सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार पाने का अधिकार समान अधिकार है, लेकिन प्रतिस्पर्धा उचित होनी चाहिए। जब कभी कुछ सीमित स्थानों या नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा को हो, तब वंचित समूहों के लोग अलाभकारी स्थिति के शिकार हो सकते हैं।
ऐसे शिक्षार्थी जो अपने समुदाय में पढ़ने वाले वालों की पहली पीढ़ी से आते हैं, अर्थात जिनके माता पिता और पूर्वज अशिक्षित रहे हैं, अपनी जरूरतों और परिस्थितियों के मामले में पढ़े लिखे परिवारों के छात्रों से बहुत अलग होते हैं। दलित स्त्री या वर्जना और वंचना के शिकार अन्य श्रेणियों से आने वाले सदस्य कुछ विशेष सहायता के पात्र और अधिकार होते हैं। इस विशेष सहायता को उपलब्ध कराने हेतु राज्य की कुछ समानता लाने वाले सामाजिक नीतियां बनानी चाहिए। इस नीतियों से और उन्हें अन्य लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का उचित अवसर मिल सके। इसमें आप देखते हैं कई राज्य कदम भी उठाते हैं। आप देखते होंगे कई राज्यों ने 50% तक महिलाओं का आरक्षण की व्यवस्था की है, कई ने 33% आरक्षण की व्यवस्था की हुई है। आप ही सोचिए कि आधे से आधी जिनकी महिलाओं की स्थिति हमारी मतलब जनसंख्या है, उन्हें हम लोग एक समाज से काट के कैसे रख सकते हैं। वही है कि वो कहते हैं ना कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। समझ रहे हैं, ये आरक्षण की व्यवस्था, अगर आप सोचिए कि समाज पूरी तरह से सबको एक रखता, सबको सुविधाएं मिल रही होती हैं, तो आरक्षण की क्या जरूरत थी। आरक्षण की जरूरत तो तब पड़ी जब आप सोचिए कि अच्छी तरह से लागू नहीं हो रहे थे। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सकारात्मक कार्रवाई, जैसे कोटा, छात्रवृत्ति, प्रशिक्षण आदि की नीतियां निजी शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए भी लागू की जानी चाहिए। इस तरह की व्यवस्था भी क्या की जानी चाहिए। आप भी अब करते रहिए। इस पर ज्यादा आरक्षण के मुद्दे पर ज्यादा बहस करना, तर्क वितर्क करना मुझे लगता है अच्छा भी नहीं है। और एक आप लोग अगर अच्छे जानते हैं और जब भी आंसर राइटिंग करेंगे तो मुझे लगता है दोनों पक्षों को ध्यान में रखेंगे। और इस 10% आप जो आरक्षण मिला है, इस पर भी आप लोग उदाहरण दे सकते हैं। तथ्य है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में भारत में वंचित जनसंख्या के लिए जितना किया जाना चाहिए उससे बहुत कम किया गया है। स्कूली शिक्षा के स्तर पर असमानताएं चौंकाने वाली हैं। ग्रामीण और शहरी झोपड़पट्टी के बहुत सारे गरीब बच्चों के स्कूल जाने की संभावना नहीं के बराबर है। यदि उन्हें अवसर मिल गया तो उनके स्कूल के पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं होता है। खासकर अभिजात वर्गीय स्कूलों की सुविधाओं की तुलना में ये बच्चे कुछ असमानताओं के साथ स्कूल में प्रवेश लेते हैं। ये असमानताएं उनका पीछा नहीं छोड़ती और योग्यताएं बढ़ाने में या नौकरी पाने की संभावनाओं पर लगातार चोट पहुंचाती रहती है। इच्छा तभीजात समझे जाने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने में बाधाओं का सामना करते हैं, क्योंकि उनके पास विशेष कोचिंग के लिए जरूरी साधनों का अभाव है और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस भी इतनी ज्यादा होती है कि उससे वे भी एक घेराबंदी जैसी ही हो जाती है। परिणाम स्वरूप वे अधिकतर विशेषाधिकार और सुविधाओं के वाले वर्गों से समानता और आधार पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। आप सोचिए कि अगर अंबेडकर साहब को सुविधाएं ना मिली होती, उन्होंने संघर्ष ना किया होता, वो पढ़े लिखे ना होते, तो उनकी भी वही स्थिति होती है जो एक तरह से पिछड़े लोगों के साथ होती थी। कम से कम शिक्षा को तो इतना आपको सहूलियत दे देना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कि कोई इनसे वंचित ना रहे, इनसे पिछड़ा हुआ ना रहे। देखिए, खाने के पास सबके पास खाना हो, अब वो खा रहा है या नहीं खा रहा है ये उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन खाना उसकी थाली में ना हो ये हमारी प्रॉब्लम, सरकार की प्रॉब्लम। और इसमें आप देखेंगे अधिकतर बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों की हालत इतनी है कि लोग भेजते भी नहीं है। क्या करना, कम से कम घर का काम तो करेगा, स्कूल में जाके क्या उखाड़ लेगा। तो हमें इस व्यवस्था को बड़े अच्छे से सुधारना होगा। और मुझे लगता है कि दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमसे सबसे बड़े तो हम ही एक तरह से महा, वो जो भी कहना हो गलत। अगर आपके आसपास कहीं स्कूल में कोई नहीं हो रही पढ़ाई तो कभी जाके पूछिए। सूचना का अधिकार दे दिया गया है आपको, इतने अधिकार दे दिए, आप उसकी टीचर की बाट वाट लगा सकते हैं, जो भी आपको करना हो कर सकते हैं। तो कम से कम जाते रहा करिएगा, सरकारी स्कूलों की हालत देखते रहा करिएगा। आजकल तो आपके पास एक एंड्रॉयड फोन भी है, वीडियो बनाइए और डालिए, उस पर कार्रवाई करवाइए। समाज भी आपको याद रखेगा और वो बच्चे भी आपको याद रखेंगे जिनकी जिंदगी आपकी वजह से सुधरेगी। इस तरह की सामाजिक और आर्थिक असमानताएं समान अवसर की प्राप्ति में बाधक होती हैं। अधिकतर सिद्धांतकार आज इस बात को मानते हैं कि समान अवसर के लक्ष्य से सभी सहमत हैं। विवाद उन नीतियों के बारे में है जो राज्य को इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनानी चाहिए। क्या राज्य को वंचित समुदाय के लिए कुछ स्थान आरक्षित कर देने चाहिए या उन्हें कम उम्र से ही विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि इस बच्चों की योग्यता और प्रतिभा का विकास हो सके। वंचित कौन है, इसे परिभाषित किया जाए। क्या वंचितों की पहचान आर्थिक आधार पर की जानी चाहिए या जाति व्यवस्था से पैदा हुए सामाजिक असमानता के आधार पर।
ये सामाजिक नीति के वे पहलू हैं जिनके बारे में आज भी बहस हो रही है और आगे भी होती रहेगी। अंततः हम जो भी नीतियां चुनते हैं उन्हें सबके लिए सद्भावमूलक और न्यायपूर्ण समाज बनाने में मिली सफलता के आधार पर जांचना पड़ेगा। यहाँ एक अच्छा पॉइंट कहा गया है, अच्छा शब्द यूज किया गया है कि जन्म से ही एक तरह से हमें बहुत छोटी कम ही उम्र में उन्हें सभी वो सुविधाएं उपलब्ध करा देना चाहिए। यानी कि हमारा बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, बेहतर स्कूल में शिक्षा ले रहा है, तो उसका भी बच्चा वहीं पढ़े। सरकार को इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए और मैं कहता हूँ आगे आरक्षण की उसे जरूरत भी नहीं पड़ेगी, उसे मदद भी नहीं करेगी। एक परिवार के आप देखते हैं 5 से 6 बच्चे पैदा कर ले, मैं ठीक है देखिए किसी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने पैदा कर लिया। अब उन्हें शिक्षा नहीं मिली, स्वास्थ्य नहीं मिली, उन्हें सुविधाएं नहीं मिली हुई, तो वही 100, 150, 200, 500 रुपये में लोग काम करते रहेंगे दिक्कत। वहीं सोचिए आप 5 लोग हैं, पांचों को अगर VIP शिक्षा दी जाए, स्वास्थ्य की व्यवस्था मिले, वो हो सकता है पांचों 5 फील्ड में जाए, कोई सिविल सर्वेंट बन जाए, कोई आप सोचिए इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई वैज्ञानिक, तो आप सोचिए कि वो कई, आप सोचिए उस परिवार की भी स्थिति सुधरेगी, और उस परिवार की छोड़िए उस गांव की, उस राज्य की, उस आप सोचिए देश की भी हमारे की स्थिति सुधरेगी। आज हम लोग राफेल खरीद रहे हैं, हम लोग खुशियां मना रहे हैं, कौन सी खुशियां मनानी चाहिए हमें? खुशियां तो उस दिन हमें मनानी चाहिए, पटाखे उस दिन फोड़ना चाहिए जब हमारे देश में इससे तगड़े राफेल बनाए जा रहे हैं। अभी तो आपने के पास पैसा हुआ आपने खरीद लिया, कल पाकिस्तान के पास पैसा होगा पाकिस्तान खरीद लेगा। और राफेल से आप सोचते हैं कि हाँ ठीक है हमारी सैनिक क्षमता बढ़ जाएगी, लेकिन ये एकमात्र उपाय नहीं है, वरना आप सोचिए फ्रांस से तो पूरी दुनिया एक तरह से डर रही होती, समझ रहे हैं आप, क्योंकि उसके पास तो वो बना रहा है। समानता के विषय पर सोचते समय हमें प्रत्येक व्यक्ति को बिल्कुल एक जैसा मानना मानने और प्रत्येक व्यक्ति को मूलतः समान मानने में अंतर करना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए दोनों में। मूलतः समान व्यक्तियों को विशेष स्थितियों में अलग अलग बर्ताव की जरूरत हो सकती है, लेकिन ऐसे सभी मामलों में सर्वोपरि उद्देश्य समानता को बढ़ावा देना ही होगा। समानता के लक्ष्य को पाने के लिए अलग या विशेष बर्ताव के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन इसके लिए उचित सिद्ध करना और सावधानी पूर्वक पुनर्विचार करना आवश्यक होगा। चूंकि अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग बर्ताव जाति व्यवस्था और रंगभेद के अंग थे, इसलिए उदारवादी एक जैसा बर्ताव के सिद्धांत से हटते हुए पहुंच बहुत सावधान रहते हैं। आप बैंकों में देखते होंगे महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए अलग व्यवस्था की जाती है, तो उन्हें उस स्थिति को देखना होगा महिलाओं के लिए। समानता के उद्देश्य से जुड़े बहुत से मुद्दे नारीवादी आंदोलन द्वारा उठाए गए। 19वीं सदी में स्त्रियों ने समान अधिकारों के लिए संघर्ष किया है। उदाहरण के लिए उन्होंने मताधिकार, कॉलेज यूनिवर्सिटी में डिग्री पाने का अधिकार और काम करने के लिए अधिकार को उसी प्रकार मांग की जैसे अधिकतर पुरुषों को हासिल थे। हालांकि जैसे ही उन्होंने नौकरियों में प्रवेश किया उन्होंने महसूस किया कि स्त्रियों को उन अधिकारों का उपयोग में लाने के लिए विशेष सुविधाओं की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए उन्हें मातृत्व का अवकाश और कार्यस्थल पर बालवाड़ी जैसे प्रावधानों की आवश्यकता थी। इस प्रकार के विशेष बर्ताव के बिना वे ना तो गंभीरता पूर्वक स्पर्धा में भाग ले सकेंगे और न ही सफल व्यवसाय को निजी जीवन का आनंद उठा सकेंगे। दूसरे शब्दों में हम कहें तो पुरुष के समान अधिकारों के उपयोग के लिए उन्हें कई बार एक विशेष बर्ताव की जरूरत होती है। एक बात और आपको बताऊं कि महिलाओं की स्थिति, आप सोचिए कि कोई भी अधिकार आपको दिए गए तो ये आसानी से नहीं मिल गए। हम लोग इन्हें बड़ा वो कहते हैं ना कि आसानी से मिली हुई चीज, मतलब हमें जिसकी कीमत ही मालूम ना हो कि ये किस किस कीमत पर मिली हमें, उसकी हमारे नजरे में कोई सम्मान नहीं होता है उसका, समझ रहे हैं? इसके लिए आप सोचिए आजादी हमें कितने सालों बाद मिली, हमें ये अधिकार कितने सालों बाद मिले, कितने लोगों ने अपनी बलिदानी दी है, कितने शहीद, कितने शहीद हो गए जिन्होंने अपने बचपन यानी सोचिए 13-14 साल की उम्र में लोग शहीद हो गए आपकी आजादी, आपको आजादी दिलाने के लिए। आज उस आजादी के लिए हम लोग इतना महत्व भी नहीं देते। एक आप सोचिए कि एक बूढ़ा बुजुर्ग अन्ना हजारे आपके लिए आंदोलन करता है, लोकपाल बिल लाता है, बिल के लिए इतना संघर्ष करता है, एक तरह से लोकपाल बनवाता है, उसका आप फायदा ना उठा पाए तो धिक्कार है आप पर, सूचना का अधिकार आपको दिलवाता है तो धिक्कार है अगर आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो। और सबसे बुरी स्थिति तो उस समय पैदा हो गई है कब, एक आपके अधिकारों के लिए एक 80 एक सोचिए बुजुर्ग व्यक्ति को जिसकी उम्र बिल्कुल ढल चुकी है उसे संघर्ष करना पड़ रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, उनसे किसी ने कहा कि फिर से अन्ना जी आंदोलन करना चाहिए, तो बोले अभी समाज आंदोलन करने लायक नहीं रह गया। उन्होंने किसी ने कहा कि चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं आप लोग, आप
तो बोले मेरी जमानत जब्त हो जाएगी, क्योंकि यहाँ लोग आपके कामों से ज्यादा 500 के और 1000 के नोट पर, 1000 का तो बंद हो गया ना, 500 से और 2000 के नोट पर ध्यान देते हैं, या जो भी आपके समय नोट रहे उस पर ध्यान देते हैं। बताइए, उस व्यक्ति को भरोसा नहीं रहा है आप लोगों पर, और ये हकीकत बन चुकी है, उसी का परिणाम आज भुगत रहे हैं आप लोग, वो भुगतते रहेंगे। जब हम समानता के मुद्दे पर सोचते हैं और यह जांचते हैं कि एक खास स्थिति में विशेष बर्ताव जरूरी है या नहीं, तो हमें लगातार स्वयं से पूछने की जरूरत है। क्या विशेष बर्ताव यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि एक समूह समान अधिकारों का उसी प्रकार आनंद उठा सके जैसा कि शेष समाज। हालांकि यह सावधानी हमेशा बरतनी चाहिए कि विशेष बर्ताव वर्चस्व या शोषण की नई संरचना को जन्म दे, अथवा यह विशेष बर्ताव समाज में विशेष अधिकार और शक्ति को फिर से स्थापित करने वाला एक और प्रभावशाली उपकरण ना बन जाए। विशेष बर्ताव का उद्देश्य और उचित एक न्यायपरक और समतामूलक समाज को बढ़ावा देने के माध्यम से के अलावा कुछ और नहीं है। एक बात और आपसे बोलूं, जब भी इस तरह के टॉपिक पर बात करते हैं आप लोग, तो बड़े तर्क दिया, बड़े अच्छे से आपके पास पॉइंट हुआ करें तभी लिखा करिएगा, ठीक है? आपको ना तो पॉजिटिव इकाई पॉइंट लिख देना है, आपको नकारात्मक पॉइंट लिखना है, निगेटिव पॉइंट, दोनों का बैलेंस बनाना है, और नीचे आपको अपना निष्कर्ष बताना है, ठीक है? यहाँ भी कुछ दिया गया, ऐसे भी चिंतन मंथन की बात है, करते रहिए आप लोग। नीचे दी गई स्थितियों पर विचार कीजिए, क्या इनमें से किसी भी स्थिति में विशेष और विभेदकारी बर्ताव करना न्यायोचित है? सबसे अच्छा समझने का यही आपको उपाय है कि आप अपने ही परिवार में देखिए कि आपकी आप और आपकी सिस्टर है, आपको किस तरह से सुविधा मिलती है। मैं कहता हूं कि अगर आपको दोनों को व्यवस्थाएं बेहतर मिली हुई है, तब आपकी सिस्टर को कभी भी आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप सोचें उसके साथ भेदभाव हेल्थ में किया जाए, तो उसे विशेष प्रावधान की जरूरत पड़ेगी। कामकाजी महिलाओं को मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए। एक विद्यालय में दो छात्र दृष्टिहीन है, विद्यालय को उनके लिए कुछ विशेष उपकरण खरीदने के लिए धनराशि खर्च करनी चाहिए। गीता बास्केटबॉल बहुत अच्छा खेलती है, विद्यालय को उनके लिए बास्केटबॉल कोर्ट बनाना चाहिए जिससे वह अपनी योग्यता का और अधिक विकास कर सके। जीत के माता पिता चाहते हैं कि वो पगड़ी पहने, इरफान चाहते हैं कि वह जुम्मे शुक्रवार को नमाज पढ़े। ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए स्कूल की जीत से यह आग्रह नहीं करना चाहिए कि वह क्रिकेट खेलते समय हेलमेट पहने, और इरफान की अध्यात्मक अध्यापक को शुक्रवार को उसके दोपहर बाद की कक्षाओं के लिए रोकने को नहीं कहना चाहिए। ये इस पर मुझे नहीं लगता है कि आप इसके विरोध में होंगे, अगर आप अनुभव करेंगे तो, ठीक है? तो ये था आपका तीसरा चैप्टर समानता, और इससे संबंधित आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं। एपीडीएफ भी आपकी टेलीग्राम पर डली हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए अगले चैप्टर में हम लोग बात करेंगे सामाजिक न्याय के बारे में। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है? ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, मुझे लगता है कि आपकी दैनिक जीवनचर्या के लिए भी जरूरी है, तो बहुत अच्छे से आप लोग समझिए और पढ़ते रहिए, ठीक है? मिलते हैं हम लोग अगले अध्याय।